सबको प्रणाम। मैं निर्देशक राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान नचिकेता राउत बोल रहा हूं और आप सब जुड़े हैं हमारे साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कोविड 19 आयुर्वेद तथा रसोई। जैसे हम में से हर किसी को मालूम है कि अब तक बोलना तो है नहीं कोई दवाई आई है ना कोई टीका आया है और पूरा विश्व इसी बात की सलाह दे रहा है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ अपने प्रतिरोधक क्षमता को इतना सशक्त बना लें कि आपको कोविड 19 का असर ना हो। तो अगर चिकित्सा पद्धति में आप देखें तो सिर्फ दो ही चिकित्सा पद्धति हैं जो कि अभी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में चलती हैं। पहला है जो कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं और दूसरी एलोपैथ है। आयुर्वेद की विशेषता यह है कि वो आयु के विषय में बात करता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के विषय में बात करता है। हमारी ऋषियों का ये देन है हमें कि उन्होंने आयुर्वेद को हमारे दिनचर्या में शामिल कर लिया था। अगर एक सेमिनार में अटेंड करता था जहां की एक सिल्वर फॉयल में कुछ लपेटा हुआ था और एग्जीबिशन के तौर पर रखा गया था और जैसे मैं पास पहुंचा तो बड़े उत्साह के साथ वहां के वॉलंटियर ने कहा, सर दिस इज एंटी कैंसरजेनिक एंड दिस इज फॉर $10। तो जब सिल्वर फॉयल वो खोली तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तो हल्दी है जो कि हर घर में रहता है। तो कहते हैं मैंने तो जो चीज हमारे घर घर के अंदर है और मौजूद है और हमारे ऋषियों ने हम तक पहुंचाया है बखूबी, वो चीज पश्चिम के लिए एक उपलब्धि मानी जा रही है जिसे कि सिल्वर फॉयल में पेश किया जाता है। यानी कि हमें हमारी क्षमताओं को ही समझने की, परखने की और वापस पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। रिसर्च उसी को बोलते हैं। 8 फरवरी के दिन पुष्य नक्षत्र था और स्वर्ण प्राशन की रुचि दिखाई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने और महामहिम का आदेश हुआ कि यहाँ के दृष्टि दिव्यांग बच्चों को पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन दिया जाए ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। तो 8 फरवरी को महामहिम आई थी, NIPVD दौरा किया और व्यक्तिगत रुचि दिखाई हमारे कार्य में। साथ ही साथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने कुछ किताबें भेंट की हमें, च्यवनप्राश भी भेंट किया था जो कि हमारे स्टाफ के हमारे स्टाफ को वितरित किया गया था और सबने बड़ी तारीफ की थी उस बात की। और हम सब देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से कोरोना की महामारी आ गई और हर कोई इंतजार कर रहा है। महामहिम हमारे बीच आ चुकी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि महामहिम की आशीर्वाद और कृपा दृष्टि NIPVD पे बनी हुई है और 8 फरवरी का वो दिन पुष्य नक्षत्र का दिन जब स्वर्ण प्राशन हुआ था NIPVD में महामहिम के हाथों द्वारा और उनके दौरा को कौन भूल सकता है। यहाँ का संपूर्ण स्टाफ आज भी उत्साहित होता है उस दिन को सोचकर और साथ ही साथ हमारा सहयोग और हमारा कोलैबोरेशन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ हो गया। उसी कड़ी में आज का ये वेबिनार है कोविड 19 आयुर्वेद और रसोई। मैं महामहिम उत्तराखंड जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं इस वेबिनार को, वेबिनार में आने का, जो कि इस वेबिनार का उद्घाटन अभी कुछ देर में करेंगी।
मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी का, जो कि वाइस चांसलर हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर नंद किशोर दधीची जी का। डॉक्टर नंद किशोर दधीची जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अश्विनी कंबोज जी का, जो कि चेयरपर्सन और निदेशक हैं उत्तराखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के। स्वागत है डॉक्टर सनंदन थपलियाल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। डॉक्टर ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ल जी का भी हार्दिक स्वागत है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंचकर्म डिपार्टमेंट उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल जी का, जिनके साथ खूब लंबी बातचीत हमारी हुई थी और कैसे NIPVD और राजभवन जुड़े आयुर्वेद के प्रयोग में और प्रचार में। डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल जी, जो कि आयुर्वेदिक वैद्य है राजभवन उत्तराखंड में, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं सबों का स्वागत करता हूं और अनुरोध करूंगा महामहिम उत्तराखंड श्रीमती देवी रानी मौर्या जी को कि वो अपने आशीर्वचन रखें और इस वेबिनार को प्रारंभ करने की औपचारिक अनुमति दें। ठीक है, इसकी मैं अनुमति देती हूँ। और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन संस्थान को, जो COVID-19 पर आज वेबिनार आयोजित की है, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और इसमें भाग लेने वाले सभी आयुष के डॉक्टर, शिक्षाविदों तथा विशेषज्ञों का भी मैं स्वागत करती हूँ, जो इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। कोरोना वायरस के संकट को कैसे खत्म करें, इस संदर्भ में आयुर्वेद के महत्व को जनमानस तक साधारण पहुंचाना में बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज कोरोना वायरस ने संपूर्ण मानवता को संकट में डाल दिया है। मानव स्वास्थ्य में इम्यूनिटी पावर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम यह भी जानते हैं कि उपचार से ही बचाव होता है। ऐसी स्थिति में जब वर्तमान में COVID-19 का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करना होगा, क्योंकि आज पूरी मानव जाति पे जो संकट है, अगर उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तभी वो बच सकता है। और इसके लिए आयुर्वेद, जो सबसे प्राचीन एक चिकित्सा है, जो मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में विशेष योगदान देती है, जो आज वैश्विक स्तर पर भी अपना एक स्थान बना चुकी है, ऐसी आयुर्वेदिक हमारी ये चिकित्सा अति प्राचीन चिकित्सा तो है ही, एक शास्त्र भी इसे मानते हैं। आयुषो वेदम इति आयुर्वेदम, प्राचीन आचार्यों ने आयुर्वेद को शाश्वत और अनादि कहा है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोग को दूर करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्वेद जीवन जीने का एक विज्ञान है। आयुर्वेद स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए प्राकृतिक उपायों पर भी बल देता है। कोरोना वायरस के संकट से उबरने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी दिए हैं हर राज्य को,
को कि किस प्रकार दिन भर पानी, गर्म पानी पीना है, योग और प्राणायाम करना है, हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन जैसे मसालों का दैनिक जीवन में नियमित उपयोग करके हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकें। च्यवनप्राश, काढ़ा तथा हल्दी मिश्रित दूध भी विभिन्न संक्रमणों से बचाव करता है, इसका भी उपयोग हम करें। इसके साथ आयुर्वेद का उपचार भी हम जरूर लें, जो आज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें कोरोना वायरस से अपने को बचाना है तो योग और प्राणायाम के महत्व को समझें और रोज प्राणायाम करें। साथ ही हाथों को लगातार धोएं, घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ कोरोना वायरस से बचाव के जितने भी तरीके आयुर्वेद में हैं, वो जनमानस तक, जन हर जन तक उनको जागरूक बनाने में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इस पर भी आज विचार होना चाहिए। मुझे आशा है कि कोविड-19 की वैश्विक स्वास्थ्य आपदा को नियंत्रित करने में आयुष, विशेषकर आयुर्वेद, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं वेबिनार से जुड़े आप सभी प्रतिभागियों तथा राज्य के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों, विशेषज्ञों तथा आयुर्वेद से जुड़े हुए सभी लोगों को उनके जो प्रयास कर रहे हैं उनकी सफलता की कामना करती हूं और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं कि हम आज जो आप वेबिनार कर रहे हैं इसके माध्यम से अपने उत्तराखंड को कैसे सुरक्षित रख पाए, इतना ही कहना है। जय हिंद। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी अगली वक्ता डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल जी, जो कि आयुर्वेद चिकित्सक हैं राजभवन में, वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें और उनका जो विषय है वो है मानसिक स्वास्थ्य, महर्षि चरक के श्लोक के साथ जिसका प्रारंभ होगा। डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल जी, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सम्मानित राज्यपाल महोदय जी, संस्थान के निदेशक, उपकुलपति, शिक्षाविद एवं इस वेबिनार में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उपस्थित सभी सम्मानित का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। NIVPH के सबसे पहले तो मैं NIVPD के निदेशक एवं उनकी टीम को इस वेबिनार के आयोजन के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ आमंत्रित किया और इस वेबिनार का आयोजन किया, जिससे कि लोगों में आयुर्वेद के प्रति अवेयरनेस हो। तो ये बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं निदेशक जी। आज हम और आप इस कोविड-19 कोरोना वायरस रोग, जो वैश्विक महामारी है, इसके बारे में बात करेंगे आयुर्वेद और अपनी रसोई के माध्यम से। आप सभी ये जानते हैं कि भारत में कोविड-19 से संक्रमित जो पेशेंट है वो बहुत फैटल स्थिति में नहीं है कि बहुत मारक स्थिति में हो, कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, बहुत ज्यादा फैटल कंडीशन में हो, जैसा कि अन्य देशों में अमेरिका है, इटली है, जहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 मेडिकल फैसिलिटी है। और भारत में हम जबकि बहुत डेंस पॉपुलेशन में है, उसके बावजूद भी हम बचे हुए हैं। आखिर कैसे,
अपनी भारतीय संस्कृति के कारण, और यहाँ पर घर घर पर योग अध्यात्म और आयुर्वेद है जिस कारण से हम यहाँ पर बचे हुए हैं। और आज हम जो थोड़ा थोड़ा भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के तरफ जाते जा रहे हैं, इस कारण हम लोगों को थोड़ा बहुत कोरोना ने अफेक्ट किया है। तो इस वेबिनार के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हम लोगों की जीवन शैली थोड़ी सी संयमित हो और हम लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम बात करते हैं। आज के समय में ये कह रहे हैं हम कि कोविड 19 की कोई दवा नहीं है, क्या आप भी मानते हैं कि कोई दवा नहीं है? नहीं, दवा हमारे अंदर ही है। हमारी आवाज बढ़ा दें हमारे लिए। उसकी दवा हमारे अंदर ही है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी आवाज और खोल दें, और आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज? कृपया बीच में ना बोले, कोई आपसे सभी से अनुरोध है, सभी सम्मानित प्रतिभागियों से अनुरोध है कि ना बोले, वरना जो स्पीकर हैं उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही है। आपके आपके पास जो सिस्टम है उसके सेटिंग में जाकर अपना वॉल्यूम बढ़ाए। मैं आग्रह करूंगा इंदिरा अग्रवाल मैडम से कंटिन्यू करें जी। तो कोविड 19 की दवा हमारे अपने अंदर ही है, वो क्या है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस दी हैं कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, उसमें से मुख्य नेक्स्ट लेफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, आयुष मंत्रालय ने, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक आयुष क्वात दिया है, उसको हम हर्बल टी की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी है कि हमें चाय पीनी है। सपोज करिए हम 3 बार या 2 बार चाय पी रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि आप उसको एक बार कन्वर्ट हर्बल चाय में कर लीजिए, जिसमें ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है कि जिसमें तुलसी, दालचीनी, शुंठी कहते हैं सूखे अदरक को, इसकी जगह आप अदरक भी यूज कर सकते हैं, कृष्ण मरीच मीन्स काली मिर्च, इन चारों की आप क्वाथ बनाकर ले सकते हैं, एज ए हर्बल टी ले सकते हैं, गर्म पानी में हल्का सा चाय की तरह बॉईल किया और इसमें नींबू, गुड़ या मुनक्का वो डाल सकते हैं, जैसे जो आपको टेस्ट लगे। और इसको आप जरूर अपने घर में सब लोग शुरू करें, फिर घर में शुरू करने के साथ साथ आप अपने कार्यस्थल पर जहां पर भी हैं, जहां पर अगर 2 जगह चाय पी जाती हो उसकी जगह एक बार एक चाय ये इसमें हर्बल टी को कन्वर्ट कर लें, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और हमारी भी राजभवन में भी यही कोशिश है और इसको अब इम्प्लीमेंट होना बाकी है, सब जगह बात हो चुकी है कि अब जहां 2 बार या 3 बार चाय पी जाती है, एक बार इस हर्बल टी को ही दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने कार्यस्थल के बाद आती है समाज की बात। सबसे पहले हमने अपने घर में शुरू किया, फिर हम अपने कार्यस्थल पे, और उसके बाद हमारी बात आती है समाज में, जो कि हमारे निदेशक साहब कर रहे हैं समाज के लिए, और ये चीज समाज में जाएगी। आज आप लोग सुन रहे हैं सब इस वेबिनार को, और सब लोग इस हर्बल टी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। बाकी इसके अलावा जो गाइडलाइन आयुष मंत्रालय ने दी है कि हम हल्दी का दूध पिए, नाक में सरसों का तेल, नारियल का तेल, या हम शुद्ध देशी घी लगाएं। मेरा टॉपिक तो मानसिक स्वास्थ्य है, पर इससे पहले थोड़ा सा हम आयुर्वेद के बारे में जान लेते हैं कि आयुर्वेद क्या है। वैसे तो महामहिम ने काफी कुछ बता ही दिया है। आयुर्वेद नाम से ही पता चलता है कि ये 2 शब्दों से मिला है, आयु प्लस वेद। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है ज्ञान। आयु की प्राप्ति के लिए जो संपूर्ण ज्ञान है वो आयुर्वेद है। इसको अथर्वेद का उपवेद भी कहा गया है, और कुछ लोग इसे 5वां वेद भी मानते हैं। ये इतना शाश्वत है, ये महामहिम ने भी कभी कहा है, और ये निश्चित है, ये है ही संपूर्ण शाश्वत ज्ञान। इसको मैं अभी आपको और सिद्ध भी करेंगे आगे कि कैसे संपूर्ण है और कैसे शाश्वत है, कैसे अनादि है ये। इसके बाद जैसे इस वेबिनार का प्रयोजन है,
कि अवेयरनेस हो लोगों में, कैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए, ऐसी आयुर्वेद का भी प्रयोजन है। आयुर्वेद के दो प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशनम चा। मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना मीन्स प्रिवेंशन, कि अगर हम आज सब स्वस्थ हैं तो हम इसको बनाए रखें, हमारे ऊपर कोई COVID-19 या और कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आता है तो कोई अटैक ना करे, हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना स्ट्रांग बना लें कि हम बीमार ही ना पड़े। उसके लिए आयुर्वेद ने बहुत सब दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या सब बताई है, वो आगे हमारे सविद्धजन बताएंगे। फिर दूसरा इन्होंने बताया है कि रोगी के रोग को दूर करना, तो आज हम पहला वाला ही स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना इसको ही लेंगे। इसके आगे एक बार स्वस्थ की डिफिनेशन भी देख लेते हैं जो आचार्य सुश्रुत ने आज से 5000 साल पहले कही है, उसके बाद WHO ने सेम डिफिनेशन काफी करेक्शन के बाद वही डिफिनेशन दी है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा शास्त्र हमारा आयुर्वेद कितना शाश्वत और अनादि है। मैं आचार्य सुश्रुत का श्लोक पढ़ना चाहूंगी कि सम दोषा समाग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत अभिदेते। मतलब शरीर में दोष, दोष मीन्स वात पित्त कफ, अग्नि मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा समान रूप में हो, मलों का निष्कासन ठीक हो, आत्मा इंद्रिय तथा मन प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। अब उसके बाद देखिए WHO ने बिल्कुल सेम डेफिनेशन दी है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य केवल रोग एवं शारीरिक दौर्बल्य से रहित होना मात्र नहीं है अपितु शारीरिक एवं मानसिक तथा सामाजिक सुख की स्थिति है। तो आप इससे आयुर्वेद की प्रमाणिकता इससे सिद्ध होती है कि ये कितना जो पुराना है वो बिल्कुल सच है, और WHO की डेफिनेशन आपने देखा कितना रिजेंबल कर रही है, बिल्कुल दोनों सेम है कि आपका फिजिकल मेंटल सोशल आध्यात्मिकता सब चीज प्रसन्न हो मन प्रसन्न हो तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। और इसके बाद देखिए एक CSIR ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है ये, और उनको 7 ड्रग्स का पर मिला है कि आप इस पर और आगे फर्दर रिसर्च करिए। देखिए जो 4 ड्रग उसमें से 7 ड्रग्स में से 4 ड्रग्स आयुर्वेद की है, उसके डायरेक्टर जनरल खुद कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि 7 ड्रग्स में से 4 ड्रग्स आयुर्वेद की हैं और 3 एलोपैथ की हैं। तो और उसमें मुलैठी अश्वगंधा अमृता और पिपली ये 4 ड्रग्स हैं जिन पर की अब और आगे स्टडी हो रही है। इसके लिए हमें देश विदेश को बताना है कि देखिए ये कितना ठीक है, क्योंकि जो ये ड्रग्स हैं अश्वगंधा है अमृता है, अमृता मीन्स गिलोय, ये अपने नाम से ही सिद्ध होती है, इसकी प्रमाणिकता है कि ये अमृत के समान काम करती है। तो जो ट्रायल हो रहे हैं वो विश्व को दिखाने के लिए अब आगे ट्रायल हो रहे हैं। अब बात करते हैं आगे कि आचार्य चरक ने कहा है कि जो व्यक्ति है वो निरोगी रह सकता। अब इसमें से आप लोग भी दीजिएगा, इसमें मेरा टॉपिक आ जाएगा मानसिक स्वास्थ्य, इसमें ही आएगा, उसके बाद मैं और डिटेल करूंगी। इस श्लोक को पढ़ रही है, इस श्लोक का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा प्लीज। नित्यम हित्यहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषता दाता समा सत्य परा क्षमावान आप तो सेवी व भवित रोगा। देखिए इसमें फिजिकल भी आ जाता है यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी आ जाता है, सदा हितकर आहार विहार का सेवन करना, जिसमें डाइट एंड लाइफ स्टाइल आ जाएगी आपकी, पूरा लाइफ स्टाइल में दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या सब कुछ आ जाएगा, जिसमें हमारे अभी आगे हमारे जो सब विद्वान जन है सब इसकी डिटेल में आप सब बताएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड है किसी भी कार्य को भली भांति करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, यानी कि उसके ऊपर देखिए कोई वायरस बैक्टीरिया जल्दी से नहीं अटैक करेगा क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा, तो उससे निकलने वाली वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव रहती है। फिर विषयों में आसक्त ना रहने वाला, दान देने वाला,
जो व्यक्ति दान देगा उसको देखिए एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो जो सेल्फ सेटिस्फाइड होगा तो ऑब्वियस है कि वो खुद भी जब मानसिक रूप से स्वस्थ सेटिस्फाइड रहेगा तो शारीरिक रूप से भी सेटिस्फाइड स्वस्थ रहेगा। फिर सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, ये पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना गूढ़ रहस्य है कि सभी प्राणियों को अपने समान समझने, यानी कि अगर मैं प्योर सोल हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तो दूसरा भी वो पवित्र आत्मा है, अपने समान समझने वाला, यानी कि अगर जो मेरे से अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रही है उस बंदे से भी मेरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आएंगी, और हमारे चारों तरफ एक ऑरा, एक एनर्जी फील्ड बन जाती है, जिस एनर्जी फील्ड की वजह से हमारे ऊपर कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह का कुछ अटैक नहीं करेगा। तो काफी कुछ हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाले को भी हमेशा एक सेटिस्फेक्शन रहता है। दूसरा है क्षमा करने वाला, जो क्षमा करेगा, फॉरगिवनेस को तो कहा ही गया है, आपको सबको पता है, उसको भी अंदर से बड़ी आनंद में रहता है कि उसको, क्योंकि कहीं से उसको बैड वाइब्रेशन मिली नहीं रही है जब हर एक वो क्षमा करता जा रहा है। नेक्स्ट है आत्मजनों की सेवा करने वाला व्यक्ति सदा निरोगी रहता है। अब ये देखिए पॉइंट्स आप सब में कितने कितने हैं, आप लोग देखिएगा सब। आत्मजन मीन्स अपने से बड़ों, अपने से बड़े, अपने गुरु, सभी की सेवा करने वाला, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आशीर्वाद मिलते हैं, तो जिससे कि आपको, कहते नहीं है कि जब कोई बीमार होता है और फिर ठीक हो जाता है, मुझे किसी का आशीर्वाद लग गया, किसी की दुआएं लग गई, तो उसका भी यहाँ पर एक रोल है। तो इस तरह से आपने देखा कि मन और शरीर का, मन शरीर और आत्मा का गहरा संबंध है, और एक ये भी कहा गया है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर हम मन से ही सोच रहे कि नहीं अब ये कोरोना वायरस है, बिल्कुल भयावह स्थिति है इसकी, और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे ठीक है, परिस्थितियां आई हैं, चली जाएंगी, हमेशा आई हैं, 100 साल पहले भी आई थी, उससे पहले भी 100 साल आई थी, परेशानी आती है चली जाती है, उसको एक्सेप्ट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अपने मन को, अब मैं अपने मानसिक स्वास्थ्य पे आ रही हूं, मैं हमें अपने मन को एक पॉजिटिव थॉट्स देने। अब मैडम आप कहेंगे, मैडम ऐसे समय पे जहां पे इतना नकारात्मक वातावरण है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लॉकडाउन है, और आप कहती है कि पॉजिटिव थॉट देने पड़ेंगे, तो कहां से लाएं पॉजिटिव थॉट? इसके लिए मैं आपको 3 प्रयोग बताती हूँ, बहुत छोटे छोटे से हैं, समय हो तो बताऊं, समय है? हाँ बताएं मैडम, बता दें। तो सबसे पहले पॉजिटिव थॉट अब हमें अपने अंदर क्रिएट करने हैं। वो कैसे क्रिएट करें? सबसे पहले आपको ये हमारे यहाँ दिनचर्या में भी बताया हुआ है कि आप सुबह उठे और परमात्मा के साथ जरूर 10-15 मिनट, जब आपको टाइम लगे सुबह के समय अगर बैठे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, 10-15 मिनट उसके साथ बैठें। परमात्मा अनंत गुणों की खान है, तो परमात्मा से निकलने वाले जो ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की जो किरणें हैं, दिव्य किरणें हैं, वो आपके आपके ऊपर आएंगी, और आपकी आत्मा के ऊपर जो भी क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, इन सब का जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व होंगी। तो आप देखिएगा, मैंने तो अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए मैंने आज इसको इस वेबिनार में भी डाला है कि देखिएगा आप, निगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है, जबकि हम लोग परिवार के हस्बैंड भी सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भय नहीं है, कुछ नहीं होगा, अपनी इम्यूनिटी हमने मन से इतना स्ट्रांग कर रखे हैं, शारीरिक तो हो ही जाएगी। तो जैसे जैसे आप ये सोचेंगे अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो हम लोग को बताया गया है वो हम फॉलो करें। ये नहीं है बस हमने एक ये पॉजिटिव थॉट दिया अब हमें कुछ नहीं होगा, नहीं, जो चीज हमें बताई गई है, जो चीज हमें गाइडलाइंस दी गई है, उसको हमें जरूर फॉलो करना है। सेकंड, कृतज्ञता, उसी जब हम बैठे हैं तो उस परमात्मा के प्रति जरूर धन्यवाद दें, धन्यवाद इस COVID-19 को भी, उसको भी हम अपना शत्रु न समझे, मित्र समझे इस समय। ओजोन कोई इतनी बड़ी जो लेयर है, ओजोन लेयर है, वो अपने आप हील अप हो गई है, प्रकृति पोल्यूशन कम हो गया है, प्रकृति हंस रही है, जानवर एनिमल्स हंस रहे हैं, तो इसको भी अगर हम पॉजिटिव थॉट्स में ले लेंगे कि शायद अगर ये लॉकडाउन ना हुआ होता तो
प्रकृति भी इस तरह हंसती मुस्कुराती हुई ना नजर आती, गंगा नदी इस तरह हंसती मुस्कुराती नजर ना आती, तो इसको भी अगर हम इस तरह पॉजिटिव वे में लेंगे तो निश्चित ही है कि हमारे चारों तरफ एक बहुत अच्छा ऑरा बनता है, एक एनर्जी फील्ड बनती है, जहाँ की मुझे तो लगता है कि आपके ऊपर का अभी तो वायरस, आज COVID-19 आया है, कल पता नहीं कौन सा वायरस आ जाए, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को खूब स्ट्रांग करना है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही होगा। बिकॉज मानसिक से कैसे, जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हमारी बॉडी से निकलने वाले हार्मोन्स, एंजाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब समान मात्रा में सिक्रेट होते हैं। जब वो समान मात्रा में सिक्रेट होंगे तो हमारे जो बॉडी के सिस्टम है, 11 सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, सारे सिस्टम ठीक ढंग से काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और अगर सपोज करिए कभी किसी ने अटैक भी कर दिया तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उसको खत्म कर देगा। और आते ही हैं हम लोग डेली, कभी किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं और कभी किसी वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, सब ठीक हो जाता है और स्वस्थ रहते हैं। एक थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी इसमें डाला है, अभी अपने सभी संबंधों की फाइल को संभाव से निकाल करना, वही इसमें क्षमा वाली बात आ गई है कि हमारे पास अगर हमारे साथ में नेबर में या हमारे ऑफिस में कोई भी काम कर रहा है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। अगर सपोज करे उसने तो इतना खराब काम किया, हम क्षमा नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी यही है कि आप मॉर्निंग के टाइम में या किसी भी समय आप बैठें और उस आत्मा से, भले ही आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप उससे जो है ना क्षमा प्रार्थना कर ले, तो धीरे धीरे आपके संबंध ठीक होते जाएंगे। मुझे लगता है आज के सिनेरियो में ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सबके साथ संबंध खुशहाल बने रहें, क्योंकि आज के सिनेरियो में सभी से हमें बहुत दुआओं की जरूरत है, और दुआओं की भी जरूरत है और हमको दुआओं देने की भी जरूरत है। जब हम दुआएं देंगे तो ऑब्वियस है कि एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होती है और एक अंदर अच्छे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम शारीरिक रूप से अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। और इसके बाद मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल जी। आपने तो ये बोलकर कि WHO भी हमारी ही स्वास्थ्य के धारणाओं को स्वस्थ रहना मानता है, बताकर हमारे आत्मसम्मान को और ऊंचा किया है और हमें हमारी पुरानी संस्कृति से रूबरू करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अश्विनी कंबोज जी का, जो कि निर्देशक हैं उत्तरांचल आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल के, जिनका की विषय है प्रतिरोधक क्षमता। डॉक्टर अश्विनी कंबोज जी, बहुत बहुत स्वागत, अपना वक्तव्य। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले अभिवादन करना चाहूंगा महामहिम गवर्नर महोदया का, जिन्होंने आज इस वेबिनार को उद्घाटित किया और हम सब लोगों को अवेयर करने के लिए यह कार्यक्रम सुचारू रूप से करने के लिए। मैं NIVPDA के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा मुझे बताया गया है कि बहुत सारा मटेरियल टीवी के ऊपर और अखबारों में सब जगह उपलब्ध है, लेकिन हमें जनता को सरल भाषा में COVID-19 से संबंधित विषयों की जानकारी देनी है। उसे प्रतिरोधक क्षमता है, रसोई है, और कैसे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी है, सरल भाषा में देनी है। तो वैसे तो बहुत सारी जानकारी, मेरे टॉपिक जो है प्रतिरोधक क्षमता, उसकी जानकारी इंदिरा जी ने दे दी है, गवर्नर महोदया ने भी काफी कुछ उसके बारे में कहा है, लेकिन फिर भी मैं सरल भाषा में आपसे जो प्रतिरोधक क्षमता के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, पिछले 2 महीने से हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, सभी अपने घरों में रह रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उससे हम सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं। आप देख रहे हैं कि इंडिया में COVID-19 का प्रभाव बहुतायत में नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग है
और एक वर्ड आ रहा है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कुछ रोगियों में उसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि यहाँ के लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत स्ट्रोंग है। कुछ लोगों को ये कोरोना का इफेक्ट हो रहा है और वो अपने आप ठीक भी हो रहे हैं, जिसका किसी को पता भी नहीं चल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए जो है उनको पता नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो मोर्टेलिटी रेट जो है यहाँ पर जो इस समय मृत्यु दर है वो लगभग 3% है। अगर सभी लोगों में देखी जाए, ये WHO ने भी एक्सेप्ट किया है, अगर सभी लोगों में देखी जाए जितने हम टेस्ट कर रहे हैं, जितनी टेस्टिंग भारत सरकार द्वारा की जा रही है, उसमें एसिम्प्टोमेटिक भी बहुत सारे मरीज हैं और उनका पता नहीं चल रहा। अगर उन सबको हम जोड़ दें तो मृत्यु दर यहाँ पर इंडिया में 1% के आसपास ही है। जिसको देखा जाए वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत स्ट्रोंग है। अब सवाल आता है कि हम इस समय लॉकडाउन में हैं इसलिए स्वस्थ हैं, आने वाले समय में लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग काम पर जाएंगे, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, जिम खुलेंगे और बाजार में भी हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार जाना पड़ेगा। उस समय हमारा बचाव बहुत जरूरी है और कहते हैं कि बचाव ही उपचार है इस रोग से, विशेषकर जो है बचाव ही उपचार है। कोरोना का खतरा हमारे ऊपर हमेशा है, अभी बना हुआ है और रहेगा। जिस समय लॉकडाउन खुलेगा तो उस समय और ज्यादा उम्मीद है कि जो है हमें जो है उसका संक्रमण हो सकता है। तो हम अपने को मजबूत बनाएं, अपने परिवार को मजबूत बनाएं और अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करें। आपने देखा है कि लॉकडाउन टाइम में जो 2 महीने का समय लगभग गुजर चुका है लॉकडाउन का, तो इसमें सरकार ने हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया है, बहुत सारे अस्पताल बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, रेल के डिब्बे को हमने आइसोलेशन सेंटर के रूप में, क्वारंटीन सेंटर के रूप में डेवलप किया है, टेस्टिंग बढ़ाई है, बहुत सारी चीजें की हैं, स्टेडियम में भी हॉस्पिटल बनाए हैं। आज आप देख रहे हैं कि कारें बनाने वाली कंपनी जो है वेंटिलेटर्स बना रही है, पीटर इंग्लैंड जो एक मशहूर उत्पादक है कपड़ों का वो मास्क बना रहा है और बहुत सी आयुर्वेद फार्मेसियां वो सैनिटाइजर बना रही हैं। तो जिस तरह से हमने अपने देश में हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया है और हमारी सरकार ने बहुत सारे जो हेल्थ के जो हमारे जो मेजर्स हैं उनको डेवलप किया है, उसी तरह से हमने अपने आप को तैयार करना है लॉकडाउन खुलने के बाद कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। तो सवाल आता है कि इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो ओज। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी ओजस्वी वाणी है, उसका ओजस्वी व्यक्तित्व है, तो सकल से चेहरे से ये पहचाना जा सकता है उसकी बातचीत करने से कि वो व्यक्ति जो है इम्यूनाइजेशन में स्ट्रोंग है और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है क्योंकि उसके चेहरे पर ओज दिखाई दे रहा है। और अगर हम कहें कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है, जो इंदिरा जी ने बताया है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसी व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा में ला सकते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है वो 2 प्रकार की होती है, जिसको हम पर्सनल इम्यूनिटी कहते हैं कि एक व्यक्ति की जो अगर पर्सनल इम्यूनिटी है तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है, सपोज हमको कोई रोग का संक्रमण हो जाए और उस संक्रमण के बाद जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है तो उसको हम जो है एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी एक तो जो बच्चे को बर्थ के समय उसकी मदर से प्राप्त होती है प्लेसेंटा के थ्रू। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं, किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। अगर मदर की इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ पैदा होगा और उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग होगी और वो एक स्वस्थ व्यक्ति आगे चल करके बनेगा। आयुर्वेद में कहा गया है, हमारे महामहिम जी ने भी बोला है कि स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में दी जाने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें 0 से 16 वर्ष के बच्चों को हम वो आयुर्वेदिक औषधि देते हैं, जिससे उसका समग्र विकास होता है, उसकी होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होती है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बच्चा मजबूत होता है। तो उसको जो है स्वर्ण प्राशन मैं कहूंगा कि आयुर्वेद की ये विधा है, प्राचीन विधा है, इसको अपनाना चाहिए और हमें अपने 0 से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन का उपयोग कराना चाहिए। अगर हम स्वर्ण प्राशन का उपयोग कराएंगे तो वो बच्चा, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है, कि जीवन भर बीमार नहीं होगा और उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत तेजी से डेवलप होगी और कोई भी बीमारी उस पर जल्दी से असर नहीं कर पाएगी। एक होती है इसके बाद अगर हम कहें तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि अगर किसी कम्युनिटी में 60% से ज्यादा लोगों को कोई बीमारी हो जाए
तो उस बीमारी का स्प्रेड अपने आप रुक जाता है और एक प्रतिरोधक क्षमता उन सब के शरीर में जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये था इम्यूनिटी। अब हम कैसे जो है अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें, उसके लिए रोजाना आप टीवी पर भी देख रहे हैं, प्रचार माध्यम में, अखबार में और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें। तो उसके लिए हम सुबह उठें, सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, उसमें नींबू का सेवन करें और एक अदरक का टुकड़ा भी उसमें डाल सकते हैं, तो वो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। उसके बाद हम 15 से 20 मिनट योगा करें और 15 से 20 मिनट प्राणायाम करें। प्राणायाम में जो डीप ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि यह बीमारी फेफड़ों के ऊपर असर करती है और गले और फेफड़े को ही अपना शिकार बनाती है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो प्राणायाम के माध्यम से अगर हम अनुलोम विलोम और कपाल भारति का अभ्यास करें तो वो बहुत लाभदायक होता है इस बीमारी में। और नेचुरल तरीके अपनाएं, नेचुरोपैथी को अपनाएं। हमारे जो प्राचीन जो चिकित्सा विधा है उसमें आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी को प्रमुख स्थान दिया गया है, और आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी के माध्यम से ही हम अपने को बहुत ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर देहरादून में उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल का संचालन करता हूँ, और जो कि यहाँ पर राजपुर रोड में है। हमने इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, चूंकि COVID-19 जब से आया है उसके पश्चात बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं और हमारे मन में भी आया है कि हम कैसे समाज को एक अच्छा इम्यून सिस्टम दे सकें, एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर सकें, क्योंकि यह हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर कोई भी बीमारी होती है तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो उससे लड़ती है और उसके जो विषाणु हैं या वायरस हैं उसको जो है भगाने का काम करती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को फ्यूचर में कैसे डेवलप किया जाए, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, तो उसके लिए चूंकि जो COVID-19 तो वर्तमान में है, तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि COVID-19 की नेक्स्ट जनरेशन आए, और जैसे पीछे भी हम देख चुके हैं कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, सार्स है आदि, इस तरह की बीमारियां समय समय पर आती रहती हैं, और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है वो व्यक्ति बच जाता है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एक डॉक्टर ने 200 पेशेंट्स को देखा है, उसमें से बहुत कम लोग जो है वो कोरोना से संक्रमित पाए गए या उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, अधिकतर लोग जो है उनका टेस्ट नेगेटिव आया। उसका कारण यही है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग थी उनका तो नेगेटिव हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको वायरस को एक्सेप्ट नहीं किया या उसकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करने दिया, और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी वो लोग जो है उससे संक्रमित हो गए। तो हमने उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज राजपुर में एक हर्बल पार्क का जो है वो बनाने का निश्चय किया है और उस पर हमारा कार्य चल रहा है। तो हम हर्बल पार्क बना रहे हैं जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियां वहां पर लगाई जाएंगी। कुछ हमारे पास पहले 200 से ज्यादा जड़ी बूटियां हमारे जो हर्बल वाटिका में है उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हमने 1.5 एकड़ में एक हर्बल पार्क बनाने का निश्चय किया है। विभिन्न प्रकार की फ्रेश जड़ी बूटियां वहां से लोग ले करके अपने घर जा सकते हैं और उनका जूस बना करके पी सकते हैं। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी है कि उनको कच्ची भी वहां पर खाया जा सकता है, जिससे जो है उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो। उसमें जो है नेचुरल वॉक के लिए हमने वो दिया है कि नेचर वॉक कैसे करेंगे, जिसमें हाइड्रोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ओपन जिम एक्सरसाइजेज और मड वॉक और सैंड वॉक, इन सब की व्यवस्था जो है वो राजपुर में एक हर्बल पार्क में हमने की है। उसके अलावा एक ऑर्गेनिक फूड सेंटर जो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है साई मंदिर के पास राजपुर रोड पर, वहां पर हम जो है एक ऑर्गेनिक फूड सेंटर, चूंकि हमें इसकी जरूरत दिखाई दे रही है आने वाले समय में, तो उसमें वो जो हम डाइट थेरेपी के माध्यम से लोगों की हम इम्यूनिटी स्ट्रोंग करेंगे। और आप देखते हैं कि मैं अभी पिछले दिनों दिसंबर में पूना में गया था, तो वहाँ एक नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है, नेचुरोपैथी NIN, नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो जूस दिए जाते हैं वहां पर आने वाले रोगियों को, तो वो सारे जो है मेडिकेटेड जूस होते हैं, जिसमें आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, पैशन फ्रूट का जूस है, ऑरेंज है, ग्वावा है, मौसमी है, बीटरूट है, कोकोनट है और जिंजर आंवला है और लेमन जगरी। तो इस तरह के जूसेज की हमने व्यवस्था की है ताकि इसको जो हम प्रचार प्रसार भी करेंगे और उपलब्ध भी कराएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सके और एक अच्छा इम्यून सिस्टम लोगों के अंदर हो, तो आने वाले समय में इन बीमारियों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त जो है फूड एंड वेजिटेबल सलाद,
जो है उस ऑर्गेनिक फूड सेंटर में वहां पर दिया जाएगा, जिसमें पपीता, गाजर, पत्ता गोभी, सेव, अनार आदि इस तरह के जो भी हमारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करके और उनको जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। मल्टीग्रेन फूड्स जो बहुत सारे अनाजों को मिला करके जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे अंकुरित फूड है और ताजी सब्जियों का सूप, इस तरह की व्यवस्था जो है वहां पर कराने का हमने जो है एक निश्चय किया है। इसके साथ साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के लिए अगर कुछ सामान्य नियम हैं जो आप सभी जानते हैं लेकिन उनको मैं दोहराना चाहूंगा कि हम समय पर भोजन करें, सुबह 8 से 9 बजे के बीच नाश्ता करें, 1 से 2 बजे दोपहर को जो है भोजन करें और शाम को 7 से 8 बजे रात्रि भोजन जिसको हम डिनर कहते हैं वो करें। सुबह के समय में फलों का जूस लें, दोपहर को दही मट्ठा या छाछ का प्रयोग करें और रात को दूध। दूध के बारे में आजकल कहा जा रहा है कि गोल्डन मिल्क, ये WHO ने भी कहा है कि हल्दी मिला करके और एक अदरक का टुकड़ा उसमें डाल करके अगर हम दूध को पका करके पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रोंग करता है। अगली चीज जो है वो निंद्रा, अगर हम 7 से 8 घंटे की ठीक से नींद लें तो भी हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और एक अच्छी इम्यूनिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। संयुक्त परिवार के महत्व को आज के समय में समझा जा रहा है। हम देखते हैं विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में जो लोग अकेले हैं वो लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है और उनको एक साइकेट्रिक अपने साथ जोड़ने की जरूरत पड़ी है। वहां पर हर आदमी का एक अपना साइकेट्रिक है लेकिन हमारे इंडिया में चूंकि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और संयुक्त परिवार में जो है बच्चों के साथ रहते हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो आपस में मिल करके शाम को बैठ करके बातें करते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो इंडोर गेम्स हो या कोई दूसरी चीजें हों। और लॉकडाउन की स्थिति में मैंने ये महसूस किया है कि संयुक्त परिवार का जो महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे जो है लोगों को बहुत हद तक सफलता मिली है अपने को जिंदा दिल रखने की और अपने को खुश मिजाज बनाने की। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको सभी कहते हैं लेकिन उसको करते बहुत कम है। लॉकडाउन की स्थिति में भी आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग पिज्जा, बर्गर और ऐसी चीजें बना करके खा रहे हैं, वीडियो पर डाल रहे हैं, तो उनसे परहेज रखना चाहिए, उनसे इम्यूनिटी कम होती है। जैसे फास्ट फूड है या फ्रोजन फूड है उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैदे से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें अपने खाने में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये चीजें जो है जिनको हमें नहीं करना चाहिए अपने खाने में इस्तेमाल, ये हमारे जो है इम्यूनाइजेशन सिस्टम को वीक करती हैं, उसको कमजोर करती हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में कहा गया कि अधारणीय वेग, कुछ चीजें जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं उनको हमें जो है वो अधारणीय वेग कहा गया, उनको नहीं रोकना चाहिए। जैसे हमें यूरिन को नहीं रोकना चाहिए, स्टूल को नहीं रोकना चाहिए, अगर छींक आ रही है, बहुत से लोग देखते हैं कि हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो मुझे छींक आ रही, तो नहीं छींकना चाहिए। हालांकि आजकल छींकने पर तो प्रतिबंध है लेकिन मास्क अगर हम लगाए हुए हैं तो हम अलग जा करके उसको छींक भी सकते हैं। और जम्हाई लेना है, नींद आना है, अपान वायु है, खांसी है, ऐसे ही आंसू के लिए भी कहा गया कि अगर हमारे कोई भावना हमारे शरीर के अंदर ऐसा कोई वो आ रहा है, वेग आ रहा है, तो उसमें जो हम अपने आंसू को भी नहीं रोकना चाहिए। अगर हम इन चीजों को रोकेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो शरीर को जो है रोगी बना सकते हैं। कुछ धारणीय वेग हैं तो जिनको जो है हमें कंट्रोल करना चाहिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो कि इंदिरा जी ने बताया है कि उनको हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए तो भी हमारी जो है इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रोंग रहती है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया गया है, हमारे जो 4 सिद्धांत बताए गए हैं स्वस्थ के, तो उसमें सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी का मतलब यह है कि लोग देखते हैं कि मुझे अच्छा एरिया में घर बनाना है, पॉश कॉलोनी में मुझे रहना है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है और वो समाज को कैसे जो है एक मैसेज देता है, तो ये एक सामाजिक प्राणी के लक्षण होते हैं जिससे अगर वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है तो भी स्वस्थ व्यक्ति की उस परिभाषा में आता है। और हमें कैसे समाज में रहना है, ये वसुधैव कुटुंबकम जो है वो के जो पूरा जो विश्व है वो एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है, जो व्यक्ति उसकी उसको ध्यान में रख करके जीता है तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, स्वयं जो है वो स्वस्थ रहता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। और कहते हैं कि खुशी ही जो सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य है, अगर व्यक्ति हैप्पी है, खुश है, तो वो अपने आप भी स्वस्थ है और दूसरों को भी स्वस्थ रखता है।
अब बस मैं एक मिनट का समय और लूंगा, मैं कुछ चीजें जो आयुर्वेद में है इम्यूनिटी बढ़ाने की, उनको किन किन चीजों को खाना चाहिए, वो आहार के अंतर्गत आती हैं कि हमारा आहार कैसा हो। तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि घर का बना हुआ शुद्ध भोजन आप खाएं, उसमें फल अधिक से अधिक मात्रा में खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल और गुड़, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, दूध दही घी लस्सी मक्खन जो जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर ये गाय का मिले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो उनको शुद्ध मात्रा में लेना जो है वो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। आयुर्वेद में कुछ रसायन का जो है वो प्रयोग किया जाता है, जैसे आंवला है, हरड़ है, मुलैठी है, अश्वगंधा है, ब्रह्मी, गुड़ूची या गिलोय जिसको कहते हैं, तुलसी, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च। इसके अलावा सेंधा नमक, नींबू पानी और शहद हम मिला करके ले सकते हैं। अन्य पेय पदार्थ जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री ने अभी जो है वो उसकी गाइडलाइंस में आया है कि कुछ काढ़े उन्होंने डेवलप किए हैं आयुष मिनिस्ट्री के अनुसार, तो उन काढ़े को भी हम चाय के रूप में इस्तेमाल करके ले सकते हैं और उसमें अपने स्वाद अनुसार मुनक्का या गुड़ थोड़ा सा डाल करके जो है वो ले सकते हैं कि स्वाद बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो काढ़ा नहीं पी पाते, थोड़ा कसैला होता है, तो उसमें मुनक्का या गुड़ डाल करके उसको ले सकते हैं। मसालों में हल्दी, धनिया, अदरक और पुदीना, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें रोज के खाने में अपनी सब्जियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। WHO ने अभी अभी कहा है कि लहसुन अदरक काली मिर्च यदि इनका पेस्ट बना करके लिया जाए तो वो भी जो है वायरस को खत्म करने में बहुत लाभदायक है, इसको हम शहद के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अश्विनी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी, आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी बहुत रेलेवेंट आज की तिथि में है। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ला जी को, जो एसोसिएट प्रोफेसर है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। और डॉक्टर शुक्ला का आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय रसोई के द्वारा रोग प्र... हेलो हेलो यस सर, सर हमारी आवाज आ रही है? हेलो नमस्कार, हेलो सर एम आई ऑडिबल? सर आपकी आवाज आ रही है। ओके नमस्कार, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, आयोजक मंडल एवं माननीय कुलपति महोदय, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि COVID-19 एक पैंडेमिक महामारी का स्वरूप ले चुका है। महामारी फैलने के सामान्यतः चार कारण होते हैं, जैसा कि शास्त्र में आयुर्वेद में मेंशन किया गया है, जल, वायु, देश और काल। COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो इसमें ये एयरबॉर्न नहीं है, वाटर स्प्रेडेबल नहीं है, इसमें देश और काल इंक्लूड है। देश का मतलब प्लेस से रिलेवेंट है, जैसा कि ये वुहान से फैला, और काल का संबंध यहाँ पे काल विपरीत से है, जैसा कि आप हम सभी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम मिड ऑफ मई में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी गर्मी का वो स्तर नहीं पहुंचा हुआ है। आज भी हमें जो है रात को ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ता है। इन सारी चीजों का रिलेवेंस हमारी इम्यूनिटी से है, प्रतिरोधक क्षमता से है, जैसा कि इससे पहले डॉक्टर अश्विनी कंबोज जी ने इसको डिक्टेट किया है कि इम्यूनिटी के बारे में दो, कोरोना को मैनेज करने के बारे में दो रेफरेंस चल रहे हैं, दो पांचे। एक तो सुरक्षात्मक उपाय, प्रतिषेधात्मक उपाय जिसे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर एक्सेट्रा, और इम्यून इम्प्रोवाइजेशन, और दूसरा है उपचारात्मक उपाय। तो उपचारात्मक उपाय के नाम पे हम पे अभी तक कुछ अवेलेबल नहीं है, तो बात बचती है केवल बचाव की और इम्यूनो इम्प्रोवाइजेशन की। तो बचाव के बारे में हमारे अगले वक्ता बताएंगे कि कैसे हमें वो नियम कानून फॉलो करने हैं। जो दूसरी बात आती है इम्यूनो इम्प्रोवाइजेशन, जिसके बारे में डॉक्टर अश्विनी कंबोज ने बताया कि ये दो तरीके की होती है, एक सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम इननेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, और विशिष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता की जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो अगर हम खुद जैसे वैक्सीनेशन तैयार की जा रही, वैक्सीन तैयार की जा रही, दिस विल बी
द फॉर्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी अगर हम इसको प्लाज्मा थेरेपी आदि के रूप में दें तो ये पैसिव थेरेपी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी में आएगी। तो एक बार हम थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता रसोई के माध्यम से को बनाने से पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक मोटा मोटा समझ लें कि हम समझ क्या बैठे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब वो सुरक्षात्मक प्रक्रिया जिससे हम सभी प्रकार के रोगों से शरीर का बचाव कर सकें, सभी प्रकार के परजीवियों से, परजीवियों से, पैरासाइट से लड़कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। हम वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के साथ को एग्जिस्टेंस कंडीशन में आज भी एग्जिस्ट करते हैं और सदियों से ऐसे ही चले आए हैं। कोरोना एक नया वायरस, एक नोवल वायरस है, लेकिन इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते थे। बस इसमें अंतर इतना आया है कि इसमें जो स्प्रेडिंग नेचर है इसका, इसका जो फैलने का रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही बात आती है इम्यूनिटी की, तो सबसे पहले इम्यूनिटी के दायरे में जैसे ही हम घुसते हैं तो हम सबसे पहले आयुर्वेद में इस पे चले जाते हैं कि हमें इसका सेवन करना चाहिए, उसका, हल्दी का सेवन, गुड़ची का सेवन। तो इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक है, एम आई ऑडिबल टू ऑल? हेलो, यस यस यस, सुनाई दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। तो अगर इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी का अगर रिगार्ड बनता है तो सबसे पहले आवश्यक है संतुलित आहार की, बाकी सारी चीजें हमारे हमारे लिए सेकेंडरी हैं। जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और इवन फैट भी, जो हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, स्टेरॉयडल हार्मोन फॉर्म में हमारे शरीर में एंजाइम हार्मोन वर्किंग कंडीशन में होते हैं, हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल फैट से आता है जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो सबसे पहले हमें संतुलित आहार लेना है। औषधि हम बाद में आते हैं कि हम रसोई में कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक संतुलित आहार, निद्रा और व्यायाम, इसके बारे में हमसे पूर्ववर्ती व्याख्याताओं ने पहले बताया। और इसके बाद थोड़ा सा इंसिस्ट किया गया, WHO ने गाइडलाइन दी है कि अगर हम कुछ कंज्यूम कर सकते हैं तो विटामिन सी रिच डाइट का अगर हम यूज करें तो हीलिंग में थोड़ा सा हमें ज्यादा मदद मिलती है। तो इम्यूनिटी के रिगार्ड में एक आधी बात जो थोड़ी सी हमें लगता है ऊपर नीचे हुई है कि इम्यूनिटी अच्छी होने से ऐसा नहीं होगा कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इम्यूनिटी होने से इन्फेक्शन आपको होगा लेकिन उसके लक्षण कम आएंगे। ये ठीक वैसे होगा जो ऑल इज वेल कहने से होता है। ऑल इज वेल कहने से समस्या नहीं ठीक हो जाएगी, उससे लड़ने की क्षमता या ताकत मिलेगी। तो विटामिन सी के बारे में बहुत सारी गाइडलाइन दी कि मौसमी का सेवन किया जाए, टमाटर का सेवन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा स्वरूप जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे इंडियन सिस्टम में, आंवला, जो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी कहा जाता है, नेचुरल फॉर्म में कहा जाता है। आप आंवला लें या आंवले से बनी चीजें लें। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जाहिर की, आप च्यवनप्राश लीजिए, आप आंवला कैंडी ले सकते हैं, आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं या किसी अन्य स्वरूप में आंवला ले सकते हैं। काढ़े के बारे में डॉक्टर अग्रवाल ने पहले ही बता दिया। सब्जी और जो मसालों का रिगार्ड है वो हमारे सिस्टम में पहले से ही इनाकुलेट की जा रखी, मसालों का यूज जो बताया गया है। हल्दी, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर नचिकेता को मैं व्यक्तिगत तौर पे आज के प्रोग्राम में हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि हल्दी के बारे में इतनी बात हो रही है और वो स्वयं हल्दी का टीका धारण करके आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो हल्दी, जीरा, धनिया के बारे में बात की गई। अब बात आती है कि रसोई से हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे केरल मॉडल ने अडॉप्ट किया उष्ण गर्म जल का सेवन, तो केरल में हमेशा गर्म जल का ही सेवन किया जाता है कि जब भी वहां आपको ठंडा पानी अलग से मांगने पे मिलता है, भोजन या भोजन से इतर जब भी आप सेवन करते हैं तो एक सामान्य आप हमेशा गर्म मात्रा में गर्म जल का ही सेवन प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है आहार। आहार को अगर बहुत कम शब्दों में कहा जाए कैसा आहार लेना है, तो लघु सुपाच्य आहार लेना है, घृत का प्रयोग करना है, मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करना है, वो भी मात्रावत। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि मौसमी या आंवला या नारंगी या संतरे का सेवन करना को बोला गया है तो आप दिन भर में 2 किलो से उसी का सेवन कर जाएं। आहार हमेशा मात्रा और काल की अपेक्षा करता है। अगर विष को भी मात्रा के हिसाब से लेंगे तो औषधि का काम करेगी, आहार को अतिशय मात्रा में लेंगे तो वो विष का काम करेगी। अगर आप यही ठंडे जितने जो
सिट्रस फूड बताए गए हैं इनको रात के समय में लेंगे तो डेफिनेटली ठंडक और ठंडा और खट्टा का सीधा सीधा कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्पेशली वायरल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस प्रेसिपिटेट होती रहती हैं। तो इनका मात्रावत उपयोग करना चाहिए। बचने के इसमें एक चीज जो रह गई है कि नस्य का मतलब नेजल इंसफ्लेशन, कोई भी जो लिक्विड एंक्शस मटेरियल है, कोई भी स्नेह घी तेल शुद्ध हो तो शुद्ध, ना हो तो अगर उपलब्ध हो तो मेडिकेटेड, जैसे कि ना हो तो सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, दो दो नॉस्ट्रिल में प्रतिदिन आराम से लेटने के बाद, दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद लेटे और उसको हल्का सा ल्यूकवार्म का मतलब लगभग टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली बॉडी से 1-2 डिग्री ऊपर हो, 40 डिग्री तक चलता है, कि दो ड्रॉप दोनों नाक में अच्छे से हाथ क्लीन करने के बाद डाले। और तीसरा काम एक और किया जा सकता है कि डेली जो है हमारे घर में हल्दी हमें घर में है, त्रिफला या यष्टि मधु कुछ नहीं होता तो सेंधा नमक मिल जाता है, तो एक ग्लास पानी में 3-5 ग्राम सेंधा नमक डाल लें या त्रिफला डाल लें या हल्दी डाल लें, इसको डाल के गुनगुने पानी में डाल के इसको गार्गल करें, क्योंकि माउथ इज अ कॉलोनी फॉर माइक्रोब्स कहा जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से गार्गल करते हैं इन चीजों से तो हमारा जो फेरेंजियल जो प्राइमरी रूट ऑफ हमारा इन्फेक्शन है वो डिसइन्फेक्टेड फॉर्म में रहेगा और क्लीन रहेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज्वर के करेक्टर आ रहे हैं, एक तो हमारा क्वाथ हमारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने बताया है, आपको जान के खुशी होगी महामहिम राज्यपाल महोदय एवं प्रोफेसर नचिकेता की उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कि ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लिए हैं और इसके लिए एक काढ़ा तैयार किया है जिसको शासन को भी इस बारे में आगे इसको बढ़ा दिया है और ये मैटर आगे जन सामान्य 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया में आ चुका है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2,80,00,000 रुपए सैंक्शन भी कर दिए हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी देंगे। इसमें गिलोय, वासा, तुलसी, त्रिकटू, यष्टि मधु इन सबको मिला के 16 गुना पानी में लेके इसको उबालना है और चौथाई भाग शेष रखने पर 40 ml जो है सुबह शाम जो है इसका चीनी या गुड़, हो सके तो गुड़ का प्रयोग करें, सुबह शाम इसको सेवन करना है। ये क्वाथ जो है इसको आयुष रक्षा किट के स्वरूप में राज्य सरकार 10 लाख लोगों को राज्य में सप्लाई करने जा रही है। यदि आपको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करेक्टर आ ही गए तो कुछ एक औषधियां हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं रसोई में, जिनको काढ़े के फॉर्म में पकाया जा सकता है। उनमें से एक है सडंग पानीयम, जिसमें नागर मोथा, परपटक, उसीर, चंदन, सुगंध वाला और सोंठ इन सबको लेके 20 ग्राम यकूट की मात्रा में लेके 1200 ml पानी में पकाना है और 600 ml जब ये बचे तो इसको थर्मस में भर के रख लेना है और दिन भर इसका सेवन करना है। अगर आपको लगता है कि गले में खराश जैसी है, होम रेमेडी करनी है, तो लवंग का चूर्ण, लौंग आती है सिंपल लवंग, इसको आप हनी के साथ मिक्स करके सफिशिएंट मात्रा में दिन में 2-3 बार इसको चूसें, आपको लाभ होगा। आहार की जब बात आती कि आहार कैसा करें, तो आहार में सामान्य लघु आहार जैसे मूंग की दाल, चपाती, इडली, मौसमी फल, सब्जियां, सब्जियों का सूप, नारियल और गर्म पानी का सेवन करना है। अगर आपको गले में खराश या खराश सोर थ्रोट वाले करेक्टर आपको लगे तो पुदीना और अजवाइन को गर्म पानी में मिला के इसकी भाप लेनी चाहिए। ये एक सामान्य गाइड सामान्य चिकित्सा उपक्रम है। विशिष्ट अगर लक्षण आते हैं तो इसके लिए किसी सर्टिफाइड या वेरीफाइड रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से कॉन्टेक्ट करें और उनसे सलाह लें। धन्यवाद नचिकेता जी, आयोजक मंडल सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, सबके मुंह में पानी आ गया, बहुत सारी डिशेज आपने जो बताई। और अभी हम रसोई से बाहर नहीं निकलेंगे, अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सनंदन थपलियाल जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल के। और डॉक्टर सनंदन से भी मेरा निवेदन है कि रसोई की बातचीत को जारी रखें। धन्यवाद, आइए डॉक्टर। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और जो NIBH इंस्टीट्यूट है, आयोजक मंडल है, उन सबको मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया। देखिए जो रसोई शब्द है, बड़ा खूबसूरत शब्द है। मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कोऑर्डिनेटर मुझे बता सकते हैं? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल, रसोई शब्द बड़ा खूबसूरत शब्द है। ये बना हुआ है रस से, ऐसी जगह जहां बहुत सारे रस रहते हो, जहां बहुत सारे कई तरह के रसों का मिलना जुलना हो, उस जगह को, उस क्षेत्र को रसोई कहा गया। और ये हमारे कल्चर का शब्द है, बहुत पहले से हिंदुस्तानी कल्चर और आयुर्वेद बिल्कुल आपस में बहुत अच्छे से मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम भी देखते हैं, जिसके जीवन में रस नहीं है वो समाज में रस नहीं दे सकता, उसका जीवन निरर्थक है। तो जहां जो रस है, आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों का वर्णन है। 1, 2, 3, 4 आप पूछेंगे किसी से तो मुश्किल से 2-3 बता पाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको आयुर्वेद की जो जानकारी है उसको सामान्य भाषा में बताऊं, ताकि वो समाज के अन्य लोगों तक भी पहुंचे। तो कुल मिला के 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि स्वीट है, सार है, सॉल्ट है, हैं फिर कड़वा है, तीखा है और कशैला है। हमारा भोजन जब हम करें तो उसमें 6 प्रकार के रसों का होना चाहिए। ये जो रस जहां मिलते हैं उस जगह को रसोई कहा गया। तो ये जो 6 रस हैं, मुख्य रूप से पहले जो 3 रस है, यानी कि मधुर, अम्ल और लवण, यानी कि सॉल्ट एंड सावर, जनरली हमारे खान पान में कोविड के पहले तक तो कम से कम इन तीनों का ही ज्यादा प्रयोग होता रहा है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि एक स्वस्थ शरीर के लिए बाकी जो 3 रस हैं उनका भी होना बहुत जरूरी है। तो अत्यधिक मीठे का सेवन नहीं करना है, अत्यधिक खट्टे का सेवन नहीं करना है। यहाँ पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लवण, यानी कि सॉल्ट। आयुर्वेद में सॉल्ट 5 प्रकार के बताए गए। सामान्य आदमी में मुश्किल से 1, 2 या 3 नमक जानता है। एक रेगुलर सॉल्ट है जिसको सी सॉल्ट कहा जाता है, एक है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट जिसको कहा जाता है, एक तीसरा सॉल्ट है जिसकी थोड़ी सी चर्चा अश्विनी कांबोज सर ने की थी, वो है हिमालयन सॉल्ट जिसको कहा जाता है, या लाहौरी नमक भी जिसको कहा जाता है, और टेक्निकल भाषा में उसको सेंधा नमक कहते हैं। ये जो सेंधा नमक है बड़ी खूबसूरत चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें सोडियम की कंसेंट्रेशन थोड़ी कम होती है और इसीलिए दोष शरीर के जो दोष हैं, शरीर की जो फिजियोलॉजी, उसके प्रति ये ज्यादा कंफर्टेबल है। इसलिए हमको अपने सब आहार के जीवन में सबको ये सी सॉल्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सब इसकी जगह सैंधव नमक का प्रयोग करना शुरू कर दें तो हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक डिसऑर्डर इनसे बचा जा सकता है। ये रसोई में आप देखेंगे कि आपके जितनी कम से कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का उपाय यही मिल जाएगा। तो सॉल्ट को अगर हम रिप्लेस कर दें सबके सब, और जहां जिसकी लो ब्लड प्रेशर रहता हो उसको छोड़ करके बाकी सब सैंधव नमक में आए, और लाहौजी जिसको व्रत में भी यूज करते हैं, व्रत में इसीलिए यूज करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि उष्णता और तीक्ष्णता नहीं रहती है, सौम्यता रहती है, कूलनेस, कामनेस बनी रहती है। इसलिए हम इसको भी अपनी रेगुलर डाइट में भी प्रयोग करना शुरू करें। और बाकी के भी जितने रस हैं, कशैला है, तीखा है, एक भोजन करते समय इन सारे के सारे रसों को सेवन होना चाहिए। उसके अलावा इसका एक दूसरा वर्जन है कि जितने कलरफुल वेजिटेबल्स और कलरफुल आपकी थाली होगी, जैसे विब्य और उसमें 7 रंग है, इंडिगो है, वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, आपके भोजन में या दिन भर में कम से कम आप सभी रंगों से, जो प्राकृतिक रंगों से बने हुए फल, फूल, सब्जी हैं, इनका सेवन करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही तरह का रस का सेवन करेंगे या एक ही तरह कलर के फ्रूट खाएंगे तो वो आपको कमजोर बना देगा। ये आयुर्वेद में कहा गया है कि एक रस से आदमी कर्षण बढ़ता है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो 6 प्रकार के रस हों, कलरफुल वेजिटेबल हो तो आपका रस होना चाहिए। और रसोई में सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस है, वो है अग्नि। आयुर्वेद में कहा गया कि सारे रोगों का जो जड़ है वो हमारी पेट के अंदर की अग्नि है। एक तो पेट के अंदर की अग्नि है, इससे हम बाहर निकलेंगे तो रसोई में मिलने वाली एक दूसरी अग्नि है, और एक तीसरी अग्नि जो प्राकृतिक अग्नि है वो है सनलाइट। तो सनलाइट का सेवन करना, नियमित सेवन करना, वो कैल्शियम के लिए, वो विटामिन डी के लिए बहुत आवश्यक है। आप देखिए कि कभी कभी सूर्य पर ग्रहण पड़ जाता है तो हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होती, उस दिन खाना नहीं बनता है, इतना महत्वपूर्ण सन है। हम हमारे यहाँ जो अग्नि है उस अग्नि को भोजन ओवरकुक नहीं हो, जरूरत से ज्यादा नहीं हो, जल जाएगा, अंडर कुक हो तब नहीं, तो एक ऐसा होना चाहिए भोजन जो सम्यक अग्नि में पाक किया हुआ हो, वो
रोगों से लड़ने में बचाएगा ही और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अग्नि के बारे में भी हमको विचार करना चाहिए, हमारे पेट की अग्नि है जिसको जाठर अग्नि कहते हैं, गट फायर कहते हैं, और मिलने वाला जो सामान्य अग्नि है, और उसी तरीके से जो नेचुरल सनलाइट है उसका सेवन करना, और उसमें जो प्राकृतिक रूप से पके हुए फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनका सेवन करना। इसके अलावा एक चीज और है, देखिए इम्यूनिटी जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक आहार से, किसी एक औषधि से, किसी एक वैक्सीनेशन से, किसी एक मेडिसिन से आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी या हो जाएंगे तो वो संभव नहीं है। जब से मनुष्य पैदा होता है जब तक वो मरता है तब तक हमेशा इम्यूनिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बल्कि पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में माँ का आहार विहार आचार कैसा है वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से इम्यूनिटी जब सतत प्रक्रिया है तो हमारा भोजन हम क्या खाएं ये तो जरूरी है, कैसे खाएं ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। अभी बड़ी चर्चा हुई, मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि हमको उष्ण जल पीना चाहिए, केरल में गुनगुना पानी पीने को दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामान्य आदमी को मालूम नहीं कि पानी पीना कैसे। पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए, अगर आप उसको गड़गड़ाहट और गल्पिंग करके पी लेंगे तो आपको पीना न पीने का उतना इफेक्ट नहीं आ पाएगा। और इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप जितनी बार घूट पीते हैं उतनी बार सलाइवा के माध्यम से वो शरीर के अंदर जाता है, उतनी बार सलाइवा अंदर जाता है, जितनी बार सलाइवा अंदर जाएगा उतनी बार ये सलाइवा एल्कलाइन है जिसको थूक बोला जाता है, ये एल्कलाइन है, पेट में एसिड हमेशा बनता रहता है कम से कम जो खाना पच रहा होता मॉर्निंग में, तो एसिड और एल्कलाइन मिलेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर आप सुबह उठ के गुनगुना पानी घुट घुट करके पियेंगे तो आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखेंगे हिंदुस्तान की जीवन शैली में आज एक आदत बन गई, ये लोग सवेरे उठ के सबसे पहले पेंटाप्रोजोल लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, रेनेटिडिन लेते हैं और लगातार लेते रहते हैं दिन भर। इसका यही मतलब है कि सिर्फ गर्म पानी ना पिए बल्कि घुट घुट करके सिप सिप करके पिए। आयुर्वेद में बहुत खूबसूरत सा एक चीज है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। मैं रिपीट करता हूं कि ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर, पानी को मुंह में रखें जैसे हम खाने को रखते हैं, अच्छे से थोड़ी देर तक, यानी कि थोड़ी एक पानी का घूंट थोड़ी देर मुंह में रखें उसके बाद उसको निकले, ऐसे ही खाने को इतना चबाएं कि बिल्कुल पानी बन जाए और वो पीने लायक हो जाए, तो इस तरह से हमारा भोजन और होना चाहिए। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है भोजन के संदर्भ में, वह है कि भोजन एकांत में होना चाहिए। संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बात कही कि भजन भोजन और अध्ययन ये एकांत में होने वाली चीजें हैं, इनको एकांत में करना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि यूरोप में जो रेस्टोरेंट धीरे धीरे खुलना शुरू हुए हैं वहां उनको केबिन रेस्टोरेंट कहा जा रहा है, एक केबिन में एक ही आदमी बैठ रहा है, पहले सामूहिक तौर पर इतने सारे लोग बैठते थे। तो जो भारतीय संस्कृति है और आयुर्वेद का समग्र रूप है इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर एक आदमी जब एकांत में भोजन करता है तो वो तन मन से भोजन करता है, उसका पूरा कंसंट्रेशन भोजन पर होता है, वो उसको एंजॉय कर सकता है। अब अगर चार आदमी सामने बैठेंगे तो कोई मोबाइल पे बात करता है, आपस में बात करते हैं, ना तो मन उसका भोजन में रह पाता है और ना ही वो भोजन का आनंद ले पाता है। तो एकांत में भोजन होना चाहिए और धीरे धीरे ये सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है थैंक्स टू कोविड-19 जिसने ये बताया कि आपको कैसे एकांत में भोजन रह करके आप भोजन से मिलने वाले सारे रस, उसी तरह से भोजन कैसे करना उसके नियम आयुर्वेद में बता रखे। मैं तीन चार नियमों की चर्चा करता हूँ, जैसे एक बता रखे कि उष्ण मशनी आप जब भी भोजन करें वो हमेशा गुनगुना होना चाहिए, गर्म ल्यूकवॉर्म होना चाहिए, वो ठंडा भोजन चिल्ड भोजन हमको नहीं करना है क्योंकि हमारे पेट के अंदर अग्नि है, अगर उसमें आप पानी डाल देंगे, अगर आप उसमें बहुत ठंडा डाल देंगे तो बुझ जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा गुनगुना भोजन, हमेशा उष्ण मशनिया। दूसरा है मात्रा व तशनिया, जैसे शुक्ला जी ने कहा आपको मात्रा में भोजन करना है। मात्रा में भोजन आप तभी कर सकते हैं जब आलती पालती मारकर आप नीचे बैठेंगे, क्योंकि बॉडी का शेप इस तरह से हो जाता है कि वो पेट में जितने आपको, देखिए भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें 1/3 सॉलिड हो, 1/3 लिक्विड हो, 1/3 गैस हो। आयुर्वेद में उसको वात पित्त कफ आप समझिए कि इन तीनों के लिए एक एक पोर्शन हो और एक पोर्शन स्पेस यानी हवा के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि एयर की मूवमेंट प्रॉपर हो सके और डाइजेशन प्रॉपर हो सके। वो तभी संभव है जब हम नीचे बैठ करके भोजन करेंगे। आप टेबल में बैठेंगे तो फिर आप जितना आपको चाहिए उसे, बॉडी को जितना चाहिए उसे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, और अगर आप खड़े होकर भोजन करेंगे
तो आप आकंठ खा लेते हैं और उसके बाद फिर बदहजमी होती है, एम्बेरसमेंट होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, आदमी को थोड़ा चलना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीजें जिनका हमको पालन करना चाहिए कि हमेशा नीचे बैठ करके भोजन करें। दूसरा एक है कि स्निग्ध मछलियां, भोजन में हमेशा कुछ न कुछ स्निग्धता, यानी कि घृत है, मक्खन है या तेल है, इन की चीजों का जरूर प्रयोग होना चाहिए। शरीर के अंदर स्निग्धता बनी रहती है तो जॉइंट मूवमेंट्स भी ठीक रहते हैं। ये जो कंसेप्ट है कि फैट लेने से फैट बन जाएगा और इससे प्रॉब्लम होने लगी, कि ये विदेशों में भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसा पचा पाते हैं। और पचाना काम है अग्नि का, तो आप कुछ भी खा लीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कितना मर्जी स्ट्रीट फूड खा लें, कंकड़ पत्थर खा लें, सब हजम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि अच्छी है। अग्नि को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसके टेम्परेचर के समान आप उसके अंदर चीजें प्रविष्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि चिल्ड पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब पानी के संदर्भ में मैं यहाँ बात करिए कि प्राय आम आदमी जब पानी पीता है तो तीनों चीजें गलत करता है। एक तो वो खड़े खड़े पानी पीता है, फ्रिज खोल करके ठंडा पानी पीता है और लगातार पानी पीता रहता है, गल्पिंग करता रहता है। तीनों चीजें बिल्कुल गलत हैं। आपको बैठ करके कम से कम रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। जब आप खड़े होते हैं तो उसकी वजह से ज्वाइंट में स्पेस बन जाता है और वो घुटने जाकर के खराब कर देता है। आप देखिए जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो जहां पानी पड़ता है भले ही पानी पत्थर में छेद कर देता है, पानी में इतनी पावर है, पानी के पावर से तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अगर हम उस पानी के पावर का महत्व नहीं समझेंगे बॉडी के अंदर, आयुर्वेद ने कहा यह तो पिंड है तो ब्रह्मांड है, जैसा हमारा पिंड है हमारा शरीर ऐसा तो ब्रह्मांड में 70% वहां वाटर है, 70% अंदर वाटर है। जापान में रिसर्च की गई कि पानी कैसा पीना चाहिए, वहां उन्होंने ये बताया कि ये जो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे करके पीना है, बैठ करके पीना है, गुनगुना पानी पीना है, उसको उन्होंने बिल्कुल वेरीफाई किया। आप पानी के भी चीजों को अट्रैक्ट करता है, सोचने समझने की चीजों को अट्रैक्ट करता है। गूगल पे वो वीडियो आप देख सकते हैं जापान वालों ने कैसे रिसर्च किया और फिर बताया गया कि पानी रिस्पॉन्ड करता है आपके खाने पीने और अपने सोचने समझने की चीजों को। तो उसी तरह से एक और है कि ना अति विलंब मछलियां, बहुत धीरे धीरे भी खाना नहीं खाना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी भी खाना नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा है कि भोजन के एकदम अंत में, भोजन खत्म करते ही आपको पानी नहीं पीना है। उसमें कहा गया है भोजन अंत विषम वाड़ी, अगर भोजन के तुरंत बाद आपने पानी पी लिया तो वो विष का काम करता है, वो इसलिए क्योंकि जो जूसेस हैं वो बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं, फिर वो भोजन को पचा नहीं पाते, जो गैस्ट्रिक जूसेस। ऐसे ही खाने के एकदम पहले भी आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपने जठराग्नि प्रदीप्त है उसको खाना पचाने के लिए चाहिए, आपने ऊपर से खूब सारा पानी पी लिया तो क्या होगा कि अग्नि एकदम मंद हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ऐसे ही जैसा बाहर भोजन पकाते हैं, अग्नि जली हुई और आपने ऊपर से पानी डाल दिया तो बहुत कम आपका इनडाइजेशन हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें जो हमको समझनी चाहिए कि क्या खाएं, वो तो सब ठीक है लेकिन कैसे खाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा डाइजेशन कैसा हो, खाने में कितना हो, पानी कैसे पिया जाए, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके अलावा है कि जब हम खाना खाएं और सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारे जितने चैनल्स हैं वो खुले हुए होने चाहिए, जैसे हमारे विचार खुले हुए होने चाहिए, हमारे अंदर चैनल्स हैं बॉडी के अंदर पूरे, अगर उनमें ब्लॉकेज है जो प्राय रहती है आज की जीवन शैली में, तो आपकी इम्यूनिटी कभी डेवलप नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी वैक्सीनेशन करा लीजिए, जितना मर्जी अच्छा खाना खा लीजिए। जो यूरोप के लोग हैं उनमें अच्छा खाना या हाई कैलोरी फूड की कमी नहीं है, उनके अंदर यह सेंस डेवलप नहीं है कि खाना किस तरह से खाया जाए। बाकी उनका ऐसा नहीं है कि वो अफ्रीकन लोगों में, बल्कि वहां कुपोषण से लोग मर रहे हैं, वहां उनको अच्छे खाने की कमी नहीं, लेकिन यहाँ ये सेंस नहीं है कि आपको किस तरह से खाना चाहिए और वही चिल्ड चीजें, पैक्ड चीजें खा रहे हैं जिसमें कई तरह का केमिकल है, वही एग्जैक्टली चीज हमने हमारे समाज में ले ली है और उसकी वजह से हमारे यहाँ भी कई प्रकार के विकार हो रहे हैं। तो स्रोत वैसे तो जो हमारे यहाँ जो छिद्र है मेन मेन ऑरिफिस है वो 10 बता रखे हैं, तो आंख है, नाक है, कान है, मुंह है ना, यूरिन और स्टूल पास करने के जो स्रोत हैं, ये सब पेटेंट और खुले हुए रहने चाहिए। एक बात और, आपका जो रसोई है वो आपके टॉयलेट से बिल्कुल दूर होना चाहिए, जैसा हमारे पहले कल्चर्स में हुआ करता था। अभी क्या कि टॉयलेट और स्रोत बिल्कुल बगल बगल में आ गए। आप देखिए कहां आपका मुंह और कहां आपका स्टूल पास करने का सिस्टम है, भगवान ने ऐसे नहीं बना रखा। ये जो मुंह से लेने वाली चीजें वो ऊपर से और नीचे छोड़ने वाली चीजें नीचे की तरफ दे रखें,
उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक सिस्टम है। हमको समझना है कि अगर आपको कुछ समझना है कि मुझे कैसे जीवन जीना है, आप नेचर को देखिए, बस ऑब्जर्व नेचर। आयुर्वेद इज हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। आप प्रकृति में आप देखिए, जानवर कभी देखा आपने कि घुट घुट, वो हमेशा घुट घुट करके पानी पीता। आप चिड़िया को देखिए, आप शेर को देखिए, पानी काटता है, कितना मजबूत रहता है। कोई पीता जो घट 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 करके इंसान को छोड़कर कोई पीता हो? वो इसीलिए हमको ऑब्जर्व को, नेचर को ऑब्जर्व करते रहिए कैसे है। जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, वो बाहर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे बिल्कुल जुड़ी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जैसे दिनचर्या के चर्चा शायद आगे सर करेंगे, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें उसके बाद से लेकर के, और जैसे सूर्य है वैसे ही हमारे पेट की अग्नि है, तो जैसे जैसे दिन चढ़ता रहता है आपका सबसे बढ़िया हैवी जो मील होना चाहिए वो आपको ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा कम होना चाहिए लंच, और सबसे लघु आहार होना चाहिए जो सूर्यास्त के सामने जिसका टाइम है वो होना चाहिए आपका डिनर। हमारी जीवन शैली बिल्कुल उल्टी, हम डिनर सबसे हैवी खाते हैं और वही बहुत देर तक खाते हैं, कभी कभी 10-10, 11-12, 12, 1-1, 2-2 बज जाते हैं। इससे इन सबसे डाइजेशन नेचुरली होगा क्योंकि हमारी बॉडी कॉरेस्पॉन्ड करती है, मैंने बताया, बाहर के नेचर से, उससे बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें हैं। खैर अब बाकी के बारे में तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि हल्दी है, अदरक है, धनिया है, लेकिन ये सारी ऐसी चीजें जिनको आप घर में उगा सकते हैं, बाहर से लाने की जरूरत नहीं। कम से कम देहरादून और उत्तराखंड जैसे स्टेट में तो सबको एक प्रयास करना चाहिए कि सब छोटी छोटी चीजों को उगाना शुरू करें। आपके पास कुछ भी स्पेस, आप कितने भी माले की मंजिल में रहते हो, लेकिन एक छोटा सा पॉट, चाहे कुछ भी हो, उसमें आप धनिया, हल्दी, अदरक, मिर्च, है ना, ये सारी चीजों को उगा सकते हैं, लहसुन को उगा सकते हैं, और इनको प्रयोग करिए। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उपयोग करिए। ये तो थे प्रिवेंटिव मेजर्स। अब क्यूरेटिव मेजर्स के लिए आयुष काढ़ा, जिसके बारे में मैडम अग्रवाल ने कहा और शुक्ला जी ने भी कहा, ऐसे उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में भी नेक्स्ट वीक से ये जो काढ़ा है जो रिसर्च कर रखा आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, ये भी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। तो जनमानस आदमी वहां से भी इन मेडिसिन को प्राप्त कर सकता है, उसको ले सकता है। ज्यादा महत्व इस चीज का है कि हम अपने विचार को और हम अपने जीवन शैली को किस तरह से अपनाते हैं, उसमें सिर्फ मेडिसिन का या हर्ब्स का एक लिमिटेड रोल है, बाकी पूरे प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है। अब विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन आप सबने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सनंदन। बहुत सारी ऐसी आदतें जो हमारे जीवन शैली में ढल चुकी हैं, उनको हम शायद आपके इस वक्तव्य के बाद सुधारने का प्रयास भी करेंगे। मैं पर्सनली, मुझे लगता है बहुत सारी हैबिट्स अपनी सुधारने का प्रयास करूंगा। अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर नंद किशोर दधीची जी को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में। और डॉक्टर दधीची का विषय है कोरोना वायरस के बचाव हेतु स्वस्थ जीवन शैली। और अभी तक जितने भी हमने चर्चाएं की कोरोना से बचने के लिए की, अब कोरोना रसोई संबंधी जानकारियां अभी हासिल की, अब कोरोना से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए हमारी जीवन शैली में किस किस तरह के बदलाव हमें लाने हैं। आइए डॉक्टर दधीची, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा जो आज का विषय है वह कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को आयोजन जिन्होंने करवाया है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, उनके निदेशक डॉक्टर नचिकेता जी, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का जो जिन्होंने उद्घाटन किया है, राज्यपाल महोदय, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और माननीय हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर त्रिपाठी सर, और डॉक्टर इंद्रा अग्रवाल जी, डॉक्टर शुक्ला जी, अश्विनी कंबोज जी और थपलियाल जी और जग्गी जी, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरे को इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका दिया।
जैसा कि COVID-19 कोरोना वायरस जो है, सब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं और एक जन सामान्य में किस प्रकार से ये फैल रहा है, किस प्रकार से जागृति जो है ला सकते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ सामान्य से जो उपाय हैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और संपूर्ण विश्व जो है वो इस कोरोना से बचने के लिए जो है, जो संक्रमण से त्रस्त है, सभी इससे बचें। वो आप सब लोगों ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर की इम्यूनिटी पावर को आपने समझा और उसको उसको बचा करके ही, शरीर की इम्यूनिटी पावर को ही, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारी, उसको उसको इस वायरस के संक्रमण से रोका जा सकता है। आप जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में 2% लोग ही इस गंभीर व्याधि से पीड़ित हैं, 98% वो लोग हैं जो माइल्ड नेचर के हैं, अर्थात स्वतः ठीक होने वाले हैं, और जो ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनके डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, उनको इस बीमारी से ज्यादा खतरा है। 60-70% लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, अर्थात उनमें जो है सामान्य जो लक्षण जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। और जैसा भी बताया, पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि 1% से ही कम जो है इसकी मृत्यु दर है, डेथ रेट है। तो इस प्रकार से ये इसकी जो है एक तरह की हिस्ट्री है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो है जिसमें तीनों दोष समान हो, आयुर्वेद में दोषों की बात करेंगे तो वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, 7 प्रकार की धातु होती है, तो तीनों दोष समान हो, 7 प्रकार की धातु समान हो, उसका मन प्रसन्न हो, उसकी आत्मा प्रसन्न हो, तो वह स्वस्थ व्यक्ति होता है। और स्वस्थ व्यक्ति के का जो स्वास्थ्य है वो उसको जीवन से लिए, आधुनिक जो जीवन से लिए उससे बचा करके ही, और वो अपना जो है स्वस्थ व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है। आयुर्वेद के अनुसार यदि बात करते हैं हम, तो आयुर्वेद में आहार, विहार, विचार, व्यवहार, व्यायाम, जीवन शैली, इनके कमजोर होने के कारण से या इनके विकृत होने के कारण से जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है और इस प्रकार की कोरोना जैसी व्याधियां या बीमारियां उत्पन्न होती है। ये कोरोना जैसी व्याधि या बीमारी आज ही उत्पन्न नहीं हो रही है, ये आगे भी होती रहेगी, इसका स्वरूप दूसरा होगा, इसका म्यूटेशन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, तो वायरस जो है अपना स्ट्रक्चर बदल लेगा, वायरस अपना कलर बदल लेगा। तो इसके लिए जो ज्यादा घबराने की और ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याधियां या रोग जो है निश्चित नहीं होते, वो देश और काल के अनुसार विभिन्न प्रकार की व्याधियां, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और जिनका प्रकोप आगे भी चलता रहेगा। सुरक्षा के जो उपाय जो बताए हैं वो हमको ये आवश्यक है कि वो प्रकृति के अनुरूप हो। प्रकृति की बात थपलियाल जी ने बताई, बहुत अच्छा बात उन्होंने बताई, तो प्रकृति के अनुरूप ही आवश्यक है। केवल कुछ समय, केवल कुछ टाइम के लिए दवा खा लेने से, कोई गोली खा लेने से, कोई काढ़ा पी लेने से जो है हम स्वस्थ नहीं रह सकते, बल्कि नियमित रूप से हमको आयुर्वेद के जो सिद्धांत जो बताए हैं, आयुर्वेद के जो आहार है, विहार है, सद्व्रत है, स्वस्थ व्रत है, पंचकर्म है, रसायन है और अंत में औषध, अंत में औषध जो है वो हमको लेनी है और उसका उपयोग करना है और हमको स्वस्थ रहना है। हमारी जो जवानी है, हमारी जो उम्र है, वह किस पर निर्भर करती है? वह हमारी व्याधिक क्षमता पर निर्भर करती है, न कि हमारी ये जो उम्र पर निर्भर करती है। जितना हमारे में सत्व गुण प्रबल होगा उतना ही हमारा व्याधिक क्षमता मजबूत होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के रूप में जो है घर पे रहें और जो अपना जो है सात्विक जो गुण है उसको बढ़ाते रहें। और आयुर्वेद में बताए गए जो और भी जो तरीके जो हैं कि हमको कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे आसन करना है, कैसे व्यायाम करना है, कैसे योग करना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे घूमना है हमको, कैसे शरीर की शुद्धता करनी है, परिमार्जन, शरीर की शुद्धता करनी है, कैसे हमको घर की सफाई करनी है, कैसे उपटन करना है, कैसे स्नान करना है हमको, और ये सब काम जो है बिना किसी बाधा के इस समय किए जा सकते हैं और बिना किसी भाग दौड़ के, बिना और संयमित रहते हुए, नियमित रूप से और हमको व्यवस्थित रूप से ये सब करना है। और इसके लिए ये सब कैसे हो पाएगा? ये हमारे साहस से ही संभव हो पाएगा। हमको नियमित रूप से स्वस्थ रहते हुए हमको 6-8 घंटे की नींद लेनी है। बहुत आवश्यक है कि हम जो है नियमित रूप से हमारी निद्रा जो है पूर्ण रूप से हो,
पानी जो है हम पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, क्योंकि अभी थपलियाल जी ने पानी के बारे में विशेष पूरा बता चुके हैं कि किस प्रकार से पानी पीना है, कैसे जो है उसको लगभग 3-4 लीटर पानी जो है हमको 24 घंटे में पीना है। जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि गुनगुना जो पानी है, जैसे केरल के लोग जो है गुनगुना पानी पीते हैं, तो हमको गुनगुना पानी पीना है। फ्रिज का ये ठंडा पानी हमको नहीं पीना है। सुपाच्य पौष्टिक भोजन जो है वो आवश्यक है, अच्छी प्रकार से पचने वाला भोजन हो, और जो है जो जो हमारी अग्नि को जो है वो ठीक रखे, क्योंकि क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि सर्वे रोगापि मंद अग्नि, जितने भी प्रकार के रोग जो होते हैं वो मंद अग्नि के कारण से होते हैं। और मंद अग्नि कैसे होगी, जब आप प्रॉपर रूप से जो है खाना नहीं खाएंगे, आहार का जो 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 तरीके बताए, सिद्धांत बताए, उनका पालन नहीं करेंगे तो वो अग्नि हमारी मंद हो जाती है, और मंद होकर के क्या होगी, कम होकर के और विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। जैसा कि ये भी पहले पूर्व के बता चुके हैं कि अग्नि जो है 3 प्रकार से हमारे आहार को पचाती है। एक पहला जो जो अन्न जो हमारा होता है वो प्राकृतिक रूप से पचता है, सूरज की धूप में जो है प्राकृतिक रूप से पकता है। दूसरा अन्न जो हमारा जो पकता है वो रसोई में आकर के पकता है, और तीसरा अन्न हमारी जो जठराग्नि है वो जठराग्नि उसको पकाती है। 3 फेज में जो अन्न जो का जो पाचन होता है, वह अन्न का पाचन हमारे शरीर के लिए अनुकूल होता है, हमारी प्रकृति के अनुकूल होता है, और ये आवश्यक है। जितने भी भारी पदार्थ हैं, पचने में भारी हैं, उनका सेवन नहीं करना है, उनको नहीं खाना है। नमकीन नहीं खानी है, ज्यादा चिकने पदार्थ नहीं खाने हैं, मीठे पदार्थ नहीं खाने हैं, उनका कम से कम उनका यूज करना है। अभी आपने घी की बात बताई पूर्व के वक्ताओं में कि घी खाना चाहिए, घी उसी आदमी को खाना चाहिए जो रूप से नियमित रूप से व्यायाम करता हो, जो दिन में नहीं सोता हो वह घी खाने का अधिकारी है। आप और हम घी खाएंगे और दिन में सोएंगे तो कब का प्रकोप होगा और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही छाछ है, दही है, ठंडे पेय पदार्थ हैं, ये नहीं खाने चाहिए, ये इनका इस समय यूज नहीं करना है। और विशेष रूप से रात्रि में दही नहीं खाना, आयुर्वेद में बताया गया कि रात में दही नहीं खाना है। बहुत मजबूरी हो आपकी, इमरजेंसी हो कि रात में दही खाने को मिल गया, तो उसमें आंवले का चूर्ण डालिए, उसमें मूंग के दाल का पानी डालिए, उसके बाद में उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे जितने प्रकार के जो ताजा फल हैं और सब्जियां जो है हमारी, जो ग्रीन वेजिटेबल्स जो है हमारी, जैसे करेला है, नीम है, परवल है, बैंगन है, आंवला है, गिलोय है, इनका जो हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। ग्रीन टी, जो जब भी किसी को चाय पीने की आदत हो तो ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं। हल्दी वाला जो दूध है, जो गोल्डन मिल्क जिसके बारे में बताया, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी हल्दी का प्रयोग करना हो, हमेशा ध्यान रखें इस बात को, जब भी हल्दी का प्रयोग होता है उसके साथ में जब काली मिर्च का यदि यूज करेंगे तो ही हल्दी का पाचन होगा, यदि आप काली मिर्च का यूज नहीं करेंगे तो हल्दी का पाचन नहीं होगा। तो हल्दी के साथ में काली मिर्च का यूज जरूर करें। और आंवला जो विटामिन सी और विटामिन बी से भरपूर जो है, शानदार इम्यूनो बूस्टर जो है आंवला है, आंवले का यूज करें। गिलोय इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, एंटी लेप्रोटिक एक्शन जो है गिलोय में, गिलोय का काढ़ा बना करके सुबह हम उसका यूज कर सकते हैं, उसका उसका चाय की तरह उसको यूज कर सकते हैं। और जो हल्दी होती है और जो काली मिर्च होती है, इसमें कुकुरमिन होता है, पिपेरिन जो है एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लामेटरी जो एक्शन है उसका, वो जो है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने वाला होता है, और साथ में हमारा जो ये शरीर को स्वस्थ बनाने में भी उपयोगी है। इसी प्रकार से जो है त्रिफला है, अश्वगंधा है, नींबू है, अदरक है, लहसुन है, तुलसी है, दालचीनी है, पिपली है, सौंठ है, चुकंदर है, सहजन है, इनका रेगुलर प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सारी जो इनमें से जो औषधियां हैं, ये जो मसाले हैं, ये हमारे किचन में उपलब्ध है, हमारी रसोई में उपलब्ध है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करना चाहिए। जितने भी प्रकार के फास्ट फूड हैं और उनको अवॉइड करना है, और जितने भी पैक्ड फूड है, जितने भी प्रिजर्वेटिव जिनमें डालते हैं, जैसे चाउमीन हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, आपके मोमोज हो, और इनको नहीं खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करते हैं, साथ में हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसको भी कमजोर करते हैं। नॉन वेज खाने से परहेज करना चाहिए, अभी आवश्यकता नहीं है। जो जो भी हमारे जो रेड जो मीट है, प्रोसेस मीट है जो है, ये इनसे जो है बचना चाहिए। हमको सिट्रस फूड, नींबू है, संतरा है, मौसमी, अनार, इनको जो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इनमें वायरल जो प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको बचाने का काम करती है, तो हमको सिट्रस फूड जो है उनका जो है
कम से ज्यादा उनको यूज करना चाहिए। तनाव और घबराहट से बिल्कुल बचना चाहिए, हमको कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसको हम इसको यदि घबराएंगे तो हमारे में सत्व गुण की जो है कमी आएगी और ये ज्यादा हो जाएगी, ये बीमारी बढ़ जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भूख लगने पर हल्का गर्म खाना जो है वो खाना चाहिए, प्यास लगने पर गुनगुना जो पानी पिए, पानी पीने का तरीका डॉक्टर साहब ने पहले बता चुके हैं। हल्का यदि बुखार महसूस हो तो हमको खाना नहीं खाना है, हमको जब बुखार हो तो केवल उपवास करें, उपवास करने से, दिन में खाना नहीं खाने से, और यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा व्यायाम करें, और व्यायाम भी इतना करें कि जिससे हमारे पसीना निकले, हमारी सांस फूलने लग जाए, वहां तक हमको व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम करने से यथाशक्ति जो है, योगा करने से, प्राणायाम करने से हम इन बीमारी से बच सकते हैं। एक जो गले में यदि खराश हो सामान्य रूप से, तो गले में खराश होने पर या खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। लौंग या काली मिर्च को हम चबा सकते हैं, जो घर में आसानी से अवेलेबल है, उपलब्ध है। और जल्दी उठ करके और गर्म पानी में नमक डाल करके उसके गरारे करें, दिन में 2 या 3 बार उसमें नमक डाल के गरारे कर सकते हैं। जल्दी उठ करके और सुबह जो 1-2 बूंद, जैसा कि शुक्ला जी ने पहले बता चुके हैं कि नजस्टिल होता है, उसमें अंगुली से जो है तिल का तेल या सरसों का तेल, नारियल का तेल और या मेडिकेटेड जो तेल जो है अणु तेल, उसको रात को लगा सकते हैं, सुबह लगा सकते हैं, और उससे जो है हमारा जो है गला भी खुल जाएगा, हमारा जो नाक जो है वो भी चालू हो जाएगा, और जो जुकाम की जो अवस्था है वो ठीक हो जाएगी। ज्यादा दिक्कत हो तो फिर चिकित्सक से, जो भी नजदीक की चिकित्सक है उससे मिलना चाहिए। रात को यदि नाक बंद हो रहा हो तो गर्म पानी में 1-2 चुटकी जो है काली मिर्च डाल करके और 1 चम्मच गाय का घी डाल करके, थोड़ा सा उसमें नमक डाल करके, और पीने से अपने आप को महसूस ठीक महसूस करने लग जाएंगे, और आराम नहीं होता है तो फिर आप चिकित्सक को दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से इस जो कोरोना वायरस जो है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग है और हाथ धोना है, हमको सफाई रखनी है, हमारी शरीर की सफाई रखनी है, हमारे घर की सफाई रखनी है, मास्क का यूज करना है, और जितने भी जो औषधियां हैं जो आयुर्वेद में वर्णित है, वो वर्णित है, उनके उनका उनका हमको यूज करना है, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना है, और निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास करके हम इस प्रतिरोध क्षमता भी हमारी बनी रहेगी और हमारा ये संक्रमण जो है ये भी अल्प हो जाएगा, हम स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सद्व्रत। सद्व्रत क्या है? एक होता है सद्व्रत और एक होता है स्वस्थ व्रत। तो ये सब चीजें ये स्वस्थ व्रत में आती है, और सद्व्रत में ईमानदारी होना, भावनात्मक हमारा रिश्ता होना, एक दूसरे से प्रति मेल मिलाप होना, आशावादी होना, परोपकारी होना, करुणा की भावना होना, आत्मनियंत्रण होना, आत्मसम्मान होना। जितना हमारा आत्मसम्मान मजबूत होगा, आत्मनियंत्रण होगा, हमारे में जितेंद्रियता होगी, सामाजिक संबंध हमारे मजबूत होंगे, जीवन में शांति होगी, दया होगी, त्याग होगा, आध्यात्मिकता होगी, हम श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करें, श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ाएं, और दोस्तों से ज्यादा हम संपर्क रखें, तो ये एक तरह से सद्व्रत है, और ये सद्व्रत हमारे व्याधिक क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर को का अनुपालन करना चाहिए। शरीर का अनुपालन करने का मतलब है यहाँ पे कि शरीर को जो है वो एक तरह से हमारे को शरीर की सुरक्षा करनी है, शरीर की रक्षा करनी है, क्योंकि सब कुछ जो है शरीर के अंदर ही है, क्योंकि शरीर है तो पुरुषार्थ है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब कुछ शरीर के अधीन ही है, और ये शरीर जो है समस्त सुख और दुख का भोग भी इस शरीर के माध्यम से होता है। तो हम इस संकट की घड़ी में सरकार के हर निर्णय को सराहना करते हुए, सरकार के हर नियम की पालना करते हुए, वर्तमान स्थिति में जो कठोर से कठोर निर्णय जो सरकार ले रही है वो हमारे हित में है, उसको उन नियमों को देखते हुए, ऐसे में सकारात्मक रहते हुए, आयुर्वेद के नियमों को अपनाते हुए, आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए, हमारे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं पुनः एक बार जो आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। हमसे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि टोटल कंप्लायंस गवर्नमेंट ऑर्डर्स की और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस की करें। तो डॉक्टर ददीची, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही? कोरोना जाति के वायरस COVID-19 यानी चाइना ओरिएंटेड वायरस इन दिसंबर 19
से बचाव के कुछ उपाय जो हमें बता रहे थे डॉक्टर धदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विचारों के आदान प्रदान के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी से, जो माननीय कुलपति हैं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के। और मुझे योगेश अग्रवाल जी ने जानकारी दी है कि डॉक्टर त्रिपाठी के पिताजी अस्वस्थ हैं इस समय और वो अपने नेटिव प्लेस पर गए हुए हैं, वहीं से हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं डॉक्टर त्रिपाठी को इनवाइट करता हूं अपने वक्तव्य के लिए। एक विशिष्ट प्रतिरोधक चिकित्सा उनका टॉपिक है और इसमें जो की वर्ड जिसे जो हम सबको आकृष्ट कर रहा है वो है विशिष्ट। तो जानकारी के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है जी। सर्वप्रथम मैं महामहिम महोदया को नमस्कार करता हुआ और उनका इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से। अपने सभी जो सहयोगी निदेशक डॉक्टर नचिकेता जी, NIEPBD और हमारे जितने सभी सहयोगियों ने अभी यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, मैं सभी का धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। सर ये हमारा जो विशिष्ट टॉपिक है रसायन चिकित्सा, ए यूनिक अप्रोच टुवर्ड्स टारगेटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की अभी सभी ने बातें की हैं और आजकल इसकी बहुत बड़ी चर्चा भी है। COVID-19 के संबंध में आयुष मंत्रालय ने बहुत बड़ा इस पर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और बहुत बड़े ट्रायल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। आयुष के माध्यम से कोविड की चिकित्सा सफलतापूर्वक की जा रही है, की जा सकती है, इसका भी लोगों ने बहुत सारा इस पर काम किया है, चल रहा है। मेरा इसी के संबंध में इम्यूनिटी की जो इतनी चर्चा की जा रही है, तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी का क्या दृष्टिकोण है? व्याधि जो प्रतिरोधक क्षमता है, मुख्य रूप से आयुर्वेद में शरीर का जो बल है जिसको तीन प्रकार से कहा गया है कि सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल वो है जो हम स्वभाव से हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी के रूप में हमारे शरीर में आता है। कालज बल ये है समय के साथ बहुत सारे हमारे जो परिवर्तन होते रहते हैं शरीर में, काल के साथ हमारे पास हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है युक्तिकृत बल, किस प्रकार से, किस युक्ति से, किस प्रयोजन के माध्यम से, किस विधि से, किस टेक्निक से हम अपने शरीर में बल बढ़ा सकते हैं। ये एक विशेष यूनिक कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेद का। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो युक्तिकृत बल का सिद्धांत है ये पूरी तरह इम्यूनाइजेशन का सिद्धांत है। आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन का जो तरीका है वही युक्तिकृत बल को बढ़ाने का तरीका है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ जो मूल चैप्टर है रसायन चिकित्सा का, आयुर्वेद आप जानते हैं कि 5000 साल पुरानी विधा है और केवल ये चिकित्सा शास्त्र ही नहीं है, ये जीवन शास्त्र है, ये पूरा पूरा लाइफ साइंस है। और केवल एक एकांगी दृष्टिकोण से ये जीवन को नहीं देखता, ये समग्र दृष्टिकोण से देखता है, ये दर्शन के दृष्टिकोण से भी देखता है, ये विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखता है, ये हमारे जो मूल तत्व हैं जीवन के और लाइफ के उनको भी देखता है। इसलिए ये होलिस्टिक साइंस कहा जाता है। आयुर्वेद एक होलिस्टिक साइंस है इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति और तत्व दोनों को साथ में लेके चलता है। अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा था कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये हमारा शरीर जो है एक मिनी रिप्लाइका है नेचर का, और दोनों के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चलता रहता है नेचर और इस बॉडी के बीच में। और जब तक ये इंटरेक्शन हमारा हार्मोनियस होता है, बैलेंस होता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और जैसे ही ये इंटरेक्शन इम्बैलेंस होता है किसी भी तरफ से, तो हमें व्याधि हो जाती है, कोई ना कोई हमें रोग उत्पन्न हो जाता है और उसकी चिकित्सा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब चिकित्सा की बात आती है तब भी हम पूरे होलिस्टिक अप्रोच को ही ध्यान में रखते हैं, केवल अकेले औषधि को ही ध्यान में नहीं रखते, औषधि अन्य और विहार तीनों पक्षों को हम ध्यान में रखते हैं। औषधि तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट है,
हमारा विहार कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, और इन सब से अगर नहीं ठीक हुआ या आवश्यकता पड़ती तब हमारी औषधि होनी चाहिए। तो मतलब ये जो त्रिपक्षी हमारा डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल अप्रोच है ट्रीटमेंट का, उसमें सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण अप्रोच है वो रसायन चिकित्सा का है। मैं यहां पर ये भी बता दूं कि आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। अष्टांग आयुर्वेद का मतलब ये है कि आयुर्वेद के ओरिजिनली 8 अंग, 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा थे, और जिसमें पहला ब्रांच था रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा इसलिए पहला रखा गया था कि आयुर्वेद का जो मूल प्रयोजन है, जो किसी अन्य व्यक्ति ने भी कहा था कि स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, आयुर्वेद का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और न केवल रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य का संवर्धन भी करना, उसको उसके स्वास्थ्य को और उत्तम स्वास्थ्य में कन्वर्ट करना, ये पहला टारगेट है आयुर्वेद का। और अगर फिर उसके बाद रोगी हो जाता है व्यक्ति तो उसकी चिकित्सा करना, ही है लास्ट ईयर हमारा दूसरा उद्देश्य। तो इसी बात को ध्यान में रख के सबसे पहला जो अष्टांग में आयुर्वेद का अंग हुआ करता था वो रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा स्वयं में इतनी समृद्ध है, इतनी व्यापक है कि मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि टारगेटेड इम्यूनिटी, हम शरीर के किसी एक सिंगल सेल को भी टारगेट कर सकते हैं रसायन चिकित्सा के द्वारा, इम्यूनिटी को दृष्टिगत रखते हुए। हमारे पास जो सिस्टमिक, जो हमारे बॉडी के अनेक स्रोत हैं जिनको हम सिस्टम कहते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, चाहे यूरिनरी सिस्टम है, चाहे जेनेटल सिस्टम है, सभी सिस्टम को हम टारगेटेड करके उसकी इम्यूनिटी को हम करेक्ट कर सकते हैं। यहां तक मैं इसके आगे भी जाना चाह रहा हूं कि सिस्टम की बात तो की कि सिस्टम को हम टारगेटेड इम्यूनिटी की तरफ ले जा सकते हैं, सिस्टम से भी और आगे जाते हुए ऑर्गन बेस्ड सिस्टम के किसी ऑर्गन को भी हम दृष्टिगत रखते हुए उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और भी इससे आगे जो यूनिकनेस है, शरीर का जो मूल कंस्टिट्यूएंट पार्ट है आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सबसे जो आदि धातु या सबसे पहली धातु है रस धातु, और उससे आगे उत्तर उत्तर चलते हुए अन्य धातुओं का पोषण होता है शरीर में, और ये हमारे शरीर के मूल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो हम एक एक धातु को भी टारगेट करते हुए उनको इम्यून पूरी तरह उनको स्वस्थ बना सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इससे भी और आगे जा करके अभी जब मैं बात कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर बीमारी को ध्यान में रखते हुए, किसी खास लक्षण को शरीर में ध्यान में रखते हुए, उसको दृष्टि में रखते हुए उसको निमित्त बना करके उसकी तरफ भी हम व्याधि चमत्व को पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए आयुर्वेद में उसको नैमित्तिक रसायन कहा गया है। रसायन के बेसिकली उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राण काम में, प्राण की कामना से, मतलब शरीर में अगर वाइटैलिटी और वाइगरनेस को हमें बढ़ाना है तो उसके लिए प्राण काम में रसायन बताए गए। दूसरा मेधा काम, डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल जी ने मानस रोगों की तरफ कुछ बात किया था, तो मेधा काम में उन्हें ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए और उसको और अधिक इम्यून रखने के लिए मेधा काम रसायन का वर्णन है हमारे यहाँ। तीसरा है श्री काम में, हर व्यक्ति बहुत अच्छा दिखना चाहता है, लश्चर उसका बहुत अच्छा हो, जैसे डॉक्टर कंबोज ने ओज का वर्णन किया है, तो जिसका ओज प्रखर होता है उसका लश्चर बॉडी का, उसका आरा बहुत अच्छा होता है, उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए श्री काम में रसायन का वर्णन है। और लास्ट जो भी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, नैमित्तिक रसायन,
कि अगर किसी खास पर्टिकुलर चीज की कमी हमारे शरीर में हो रही है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उसको टारगेट करके उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उसका उस अंग का उस टिश्यू का व्याधि बल कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको ध्यान में रखकर के ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डिजाइन किया गया। अब मैं थोड़ी सी बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा समय ज्यादा होगा लेकिन आज मौका है। प्रकृति, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है प्रकृति है। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये हमारी प्रकृतियां हैं, फिर द्वंद्व प्रकृतियां हैं, फिर त्रिदोषक प्रकृतियां हैं। प्रकृति का कॉन्सेप्ट यूनिक है और मॉडर्न साइंस इसको अब महत्व दे रहा है। जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो आयुष मंत्रालय ने भी आईसीएमआर के साथ जीनोमिक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, तो हमारा जो जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का वो हमारा प्रकृति का एक वैज्ञानिक आधार हो सकता है। तो जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टडी चल रही है, उसको आधार बना के हमारी जो प्रकृतियां हैं शरीर में, हमारी प्रकृति को अगर हम जान लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में अमुक रोग की संभावना अधिक है। जैसे कहा गया कि वात जो वातज प्रकृति वाला है वो सदातुर रहता है, वो आए दिन बीमार ही रहता है, तो इसलिए जो है उसको कहा गया कि वात प्रकृति को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उसके खान पान के लिए उसके लाइफ स्टाइल की विशेष जरूरत है। तो ये प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, एक एक आर्गन को ध्यान में रखते हुए, या एक एक जो हमारे टिश्यू है जिसको रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा कहा जाता है उनको ध्यान में रखते हुए ये रसायन का जो सिद्धांत है ये बहुत ही विशिष्टता रखता हुआ सिद्धांत है, बहुत ही वैशिष्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसको अप्लाइड एस्पेक्ट की तरफ लाना चाह रहा हूं। सारंगधर 13वीं शताब्दी में एक आयुर्वेद का जो विद्वान रहे सारंगधर, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि लाइफ के हर एक डिकेड में शरीर का कोई ना कोई तत्व, कोई ना कोई ऐसा हमारा जो इम्यूनिटी है शरीर की वो क्षय होता है उसका। शरीर को अगर हम अपने लाइफ स्पैन को 10 डिकेड में बांटते हैं, 100 वर्षों के लाइफ स्पैन को अगर हम 10 डिकेड में बांटते हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा कि हर एक डिकेड में किसी न किसी चीज का शरीर में क्षय होता है। उसके लिए उन्होंने एक ही श्लोक में सिद्धांत दिया है, बाल्यम, इसको जरा ध्यान देने की बात है, बाल्यम वृद्धि छबिर मेधा त्वक दृष्टि सुख विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रियम चेतो जीवितम दस्तो हिसे। उन्हें लाइफ का जो हर एक डिकेड है इसमें इसी क्रम से बाल बुद्धि मेधा ऐसे इस क्रम से हर एक डिकेड में शरीर में इन चीजों की कमी होती है, तो उसको ध्यान में रख करके हम रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1 से 10 वर्ष तक की आयु के लिए वचा शहद के साथ अगर लगातार प्रयोग कराया जाए तो वो पूरे बाल्यावस्था के लिए बहुत ही उत्तम रसायन है। इस पूरे डिकेड के लिए वचा शहद के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। ऑल ओवर इम्यूनिटी बच्चों की डेवलप करके रखता है, बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है, बच्चा निरोग रहता है। इसी तरह से 11 वर्ष से 20 वर्ष तक करके जो किशोर हैं उस समय उनके शरीर का विकास हो रहा होता है, तो उनके शरीर को पुष्ट करने के लिए, उनके शरीर को इम्यून करने के लिए भला दुग्ध या शहद के साथ भला का प्रयोग करना चाहिए। ये सेकेंड डिकेड में जो हानि हो रही है उसको रोकने के लिए, उसको इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए ये सेकेंड डिकेड के लिए है। इसी प्रकार से 21 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के लिए हम शंख पुष्पी का प्रयोग करते हैं। शंख पुष्पी शहद के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। शंख पुष्पी 3rd डिकेड के लिए एक उत्तम रसायन है। ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जिस समय स्ट्रांग हो रही होती है उनको भी और अधिक स्ट्रांग रखने के लिए, उस पूरे सिस्टम को, ब्रेन को इम्यून रखने के लिए ये 3rd डिकेड में कहा गया है। इसी तरह चतुर्थ डिकेड में जिसमें कि 31 साल से 40 साल तक ज्योतिषमति का प्रयोग और साथ में सुंठी का प्रयोग हम दुग्ध के साथ या शहद के साथ प्रयोग कराते हैं,
तो इस पूरे डिकेड में जो हमारा क्षय होता है शरीर का, वो क्षय नहीं होता, हमारा शरीर पूरी तरह इम्यून बना रहता है। इसी प्रकार से 41 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के लिए हम त्रिफला का प्रयोग और लौ भस्म के साथ हम गौघृत के साथ प्रयोग कराते हैं, तो जो दृष्टि जो विजन कला शुरू होता है, तो पूरे नेत्र की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए ये इस प्रकार से बताया गया है। तो बहुत इसको पूरा लंबा न जाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हर एक डिकेड के लिए आयुर्वेद में उसको टारगेट करते हुए उसको इम्यून बनाए रखने के लिए, उसको बल वृद्धि उस सिस्टम और टिश्यू का बनाए रखने के लिए उसको औषधियां दी गई हैं। इसी तरह सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्यून रखना चाहते हैं, उसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो पिप्पली रसायन पूरे सिस्टम को स्वस्थ रखता है, इम्यून रखता है। इसी तरह अगर हम यूरिनरी सिस्टम को रखना चाहते हैं तो गोक्ष रसायन, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम अच्छी तरह इम्यून रखना चाहते हैं तो चित्रक है, लहसुन है, हरड़ है, ये इस प्रकार की ऐसी औषधियां हैं जिसको हम किसी विशेष शरीर के किसी विशेष तत्व को ध्यान में रखते हुए, उसकी वाइटलिटी को ध्यान में रखना है या किसी बीमारी को ध्यान में रखना है या कोई क्षय हो रहा है उसको ध्यान में रखना है, तो पूरा पूरा जो रसायन का कॉन्सेप्ट है ये फ्यूचर मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है जिसको भी मॉडर्न कंटेम्पोररी साइंस उस लेवल तक नहीं ले जा पाया है। मैं ये कहूंगा कि जो ये टारगेटेड इम्यूनिटी है ये आयुर्वेद का पूरी तरह जो इम्यूनाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट है, चाहे वो स्वर्ण प्राशन है वो भी उसी का अंग है, या जो च्यवनप्राश है वो भी उसकी उसी का अंग है, चाहे आयुर्वेद में कल्प चिकित्सा बताई गई है, जैसे अभी हम अभी पिप्पली रसायन वर्तमान कल्प का वर्णन किया, इसी प्रकार से अन्य कल्प भी हैं, कल्पटिक कल्प है, तो ऐसी जो चीजें हैं उनका एक विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में है जो ओवरऑल इम्यूनिटी के जितने भी एंगल्स हो सकते हैं मॉडर्न साइंस ऑफ व्यू से उन सब का समायोजन हमारे यहाँ आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा के माध्यम से है, और ये एक फ्यूचर मेडिसिन है जिसको कि जिसके माध्यम से हम अपने सिस्टम को टारगेट करके, टिश्यू को टारगेट करके, आर्गन को टारगेट करके उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक कोविड का संबंध है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत सारा कोविड-19 के संबंध में बात किया है, तो इम्यूनिटी ही उसके लिए स्ट्रांग होनी जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कोविड से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी कहा जाता है कि एवरी लंग्स हार्बर द ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, हर एक व्यक्ति के लंग्स में कभी न कभी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो जाता, क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी है अगर स्ट्रांग है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो उसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। इसी तरह हम कोविड-19 के संबंध में कहना चाहेंगे कि हम अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें तो कोई भी वायरस है, चाहे कोविड है, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस है, चाहे दूसरा HIV वायरस है, वो हमारे शरीर में जाएगा तो जरूर हमारे टिश्यू से उसका कांटेक्ट भी होगा, लेकिन वो हमारे टिश्यू को डैमेज नहीं करेगा और वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा, केवल हमारे शरीर में वो एक सबमिसिव फॉर्म में रह करके वासा उठ करके चला जाएगा। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आयुर्वेद के माध्यम से हम समझाना चाहते थे। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा, मैं सभी का आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय को भी उसमें शामिल करके और हमारे शिक्षकों को भी उसने अपना प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। मैं निदेशक महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे सेमिनार को कंडक्ट किया, धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी ओर से एक धन्यवाद ज्ञापन का जो आपकी औपचारिकता जो है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदया जिनके उद्घाटन के पश्चात इस सेमिनार को, इस वेबिनार को गौरव प्रदान हुआ और गरिमा प्रदान हुई। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
राजभवन में चिकित्सक डॉक्टर श्रीमती इंदिरा अग्रवाल जी का जो अपने वक्तव्य के साथ उन्होंने हमें हमारा ज्ञानवर्धन किया। डॉक्टर अश्विनी काम्बोज ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें दी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, वो हमारे लिए वैल्यूएबल थी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ला विशेष तौर से रसोई में हमें ले गए और बहुत सारी चीज़ें तैयार करने की जो विधियां और चीज़ें बताई, रेसिपीज और अन्य जानकारियां भी दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रसोई में ही हमें डॉक्टर सनंदन थपलियाल जी भी लेके गए और बहुत सारी जानकारियां आयुर्वेद के सौजन्य से दी। डॉक्टर नंद किशोर ददीची जी ने हमें फिर से कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जो कुछ जानकारियां दी वो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट पर्टिनेंट रही। अंत में डॉक्टर त्रिपाठी जिन्होंने फिर से एक बार हमें जानकारियां दी, उनकी व्यस्तता के बावजूद भी वो हमारे साथ जुड़े रहे। मैं धन्यवाद अवश्य करना चाहूँगा डॉक्टर हमारे डॉक्टर नचिकेता राउत जी का, निदेशक महोदय का, जिन्होंने इस पूरे वेबिनार को कंसेप्चुलाइज किया और सिग्नल दिया ओके सिग्नल कैरी ऑन करने के लिए। और बीच में आप सबने नोटिस किया होगा हमारे निदेशक महोदय इतने प्रॉम्प्ट हैं, दो बार मेरा माइक तकनीकी कारणों की वजह से स्विच ऑन नहीं हो पाया तो उन्होंने खुद ही मेरी ओर से वक्ताओं को आमंत्रित किया, इसके लिए मैं विशेष तौर पर निदेशक महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बहुत से उन लोगों का, संस्था के उन लोगों का जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना योगदान किसी न किसी लेवल पे दिया। डॉक्टर पंकज और उनकी पूरी टीम, भावना उपाध्याय, दीपक उपाध्याय, इनका विशेष धन्यवाद। वेबिनार को इस स्थिति तक लाने के लिए योगेश अग्रवाल जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो योगेश जी को भी मेरी ओर से विशेष तौर पे धन्यवाद। हमारा प्रयास रहेगा कि इस वेबिनार के बारे में कुछ जानकारियां मीडिया तक भी पहुंचाई जाएं, और जिसके लिए फिर से मैं योगेश जी से निवेदन करूंगा कि एक प्रेस रिलीज जारी करें जिसमें ये जानकारी दें कि किस तरह से कोरोना जो हमें दूर कर रहा है इस वेबिनार के माध्यम से किस तरह से हमने प्रयास किया एक दूरी में नज़दीकी लाने के लिए। तो योगेश जी का विशेष प्रयास इसमें जारी रहे, मुझे उम्मीद है कि आप मीडिया में एक कम्युनिकेशन भेज देंगे अपना। वेबिनार के लिए और भी जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, अगर मेरी ओर से उनको धन्यवाद देना मैं भूल रहा हूँ तो आप सबको धन्यवाद। मैं आप सबसे ये जरूर चाहूँगा कि अपना फीडबैक दें किसी न किसी माध्यम से हमें, और ताकि हम इसी तरह की कुछ और योजनाएं आगे कार्यान्वित कर सकें। मुझे याद आ रहा है कल रात को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अंतर्देशीय जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए गए थे। तो हमारा जो प्रयास था वो संस्थागत था जिसमें हमें सहयोग मिला उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का और उत्तरांचल विश्वविद्यालय का, और राजभवन का तो विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिर अब लॉग आउट करते हैं, फिर दोबारा कभी प्रयास करेंगे, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।